नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टर्बिता लोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरंजन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे से होंगे आप और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे संस्थान के द्वारा एक नया प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें हम लोग आपको खंड शिक्षा अधिकारी जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है 22 मार्च को, और इससे संबंधित, इस परीक्षा से संबंधित हम लोग आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। और ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न न केवल आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको हर एक टॉपिक जहां से मैंने प्रश्न लिए हैं उस टॉपिक को आपके पूर्ण रूप से कंप्लीट भी करेंगे। ये जो प्रश्न है ये किसी भी किताब से नहीं है और ना ही ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में से है। ये जो प्रश्न है ये मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं और यूनिक हैं, नए प्रश्न हैं, कहीं पर आपको ये मिलेंगे नहीं। चलिए, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये रहा, क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में झीलों को व्यवस्थित कीजिएगा। मैंने विश्व भूगोल से लिया है और विश्व की चार झीलें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन झीलों को हमें क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में व्यवस्थित करना है? क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए, अगर हम इनकी बात करते हैं क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने की, तो अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है, विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम अगर लिखें हम, तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर जो है आपका, यह वास्तव में झील है, लिखते सागर है हम। झील उसे कहा जाता है जो चारों ओर से धरातल से घिरी हुई हो। और कैस्पियन सागर जो है वो खारे पानी की झील है। कौन से पानी की? खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। क्या है? तो कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। तो यहां से एक बात हम और कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन, साथ ही साथ खारे पानी की झील है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। यह है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। तो ये पहली बात हो गई, ठीक ना, विश्व की सबसे बड़ी झील और साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील। उसके बाद हम अगली झील देखते हैं। अगर मैं यहां पर अगला लिखता हूं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील का नाम, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, तो विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी झील है इस झील का नाम है सुपीरियर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर। और सुपीरियर झील जो है वह मीठे पानी की झील है। सुपीरियर कौन सी झील है? तो यह मीठे पानी की झील है। तो यहां से हमें एक बात और पता चल जाती है कि अगर मैं प्रश्न ऐसा लिखूं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? सुपीरियर। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुपीरियर। यानी सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी है और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी, पहली कौन सी है? पहली कैस्पियन है। तो दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी आ जाती है? दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारी सुपीरियर। आइएगा प्रश्न देखते हैं अब। क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में झीलों को व्यवस्थित कीजिएगा, तो पहले नंबर पर तो हमारी कौन सी आ गई? कैस्पियन। और दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी आ गई? दूसरे नंबर पर आ गई सुपीरियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विक्टोरिया लेक की, अगर हम बात विक्टोरिया झील की करते हैं, तो विक्टोरिया झील की सबसे पहले तो हम अवस्थिति अगर देखें तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है। विक्टोरिया कहां पर है? तो विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक ना। अगर हम कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर यूरोप एवं एशिया की सीमा पर है। और सुपीरियर झील की बात करते हैं तो सुपीरियर झील जो है वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है विक्टोरिया? तो विक्टोरिया झील जो है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है। साथ ही साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील,
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी विक्टोरिया। मतलब सबसे बड़ी तो होगी क्षेत्रफल दृष्टि से कैस्पियन, उसके बाद सुपीरियर, उसके बाद विक्टोरिया। आइएगा हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो कैस्पियन सबसे पहले आना चाहिए, तो कैस्पियन यानी सेकंड ऑप्शन सबसे पहले, तो बी सी डी में सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आना चाहिए यानी सुपीरियर, तो थर्ड ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा, बी गलत हो गया। उसके बाद हमारी विक्टोरिया आनी चाहिए तीस नंबर पर, तो हमारा जो है वो आंसर क्या हो जाता है, आंसर हमारा ए हो जाता है, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन, दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर, तीसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, और चौथी सबसे बड़ी झील इसमें कौन सी है, हीरोन झील। अगर हम हीरोन झील की बात करते हैं तो हीरोन झील भी यूएसए और यूएसए के साथ साथ किस देश की सीमा पर है, तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, कौन सी झील, हीरोन झील। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर एक के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर दो पर, और प्रश्न नंबर दो कह रहा है कि सही सुमेल नहीं है, एक साइड मैंने सागरों के नाम लिखे हैं और एक साइड मैंने महासागरों के नाम लिखे हैं, विश्व भूगोल से लिया गया है। पहला कह रहा है सार्गासो सागर, अगर हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी के लगभग एस अक्षर के समान है। इसके पश्चिम में यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पास में यहीं पर एक सागर है जिसका नाम है सार्गासो सागर, और इसका नाम सार्गासो इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर इस सागर में, सार्गासो सागर में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सार्गासो घास, तो ऑप्शन ए तो सही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, कह रहे बेरिंग सागर प्रशांत महासागर, तो हम आपको समझाते हैं, ए आपका एशिया महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है यहां पर, तो यहां पर जो महाद्वीप है एशिया, और इस साइड जो महाद्वीप है इस महाद्वीप का नाम है उत्तर अमेरिका, इस महाद्वीप का नाम क्या है, तो इस महाद्वीप का नाम है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ठीक ना, कौन सा महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों के मध्य में यहां पर एक जलसंधि है, और यहां पर जो जलसंधि है इस जलसंधि का नाम क्या है, तो इस जलसंधि का नाम है बेरिंग जलसंधि, कौन सी जलसंधि है, बेरिंग जलसंधि, और बेरिंग जलसंधि क्या करती है, ऊपर यहां पर आर्कटिक महासागर है, कौन सा महासागर है, तो यहां पर जो महासागर, इस महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर के बाद यहां पर एक महासागर है, और इस महासागर का नाम क्या है, तो इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर, यहां पर, तो यहां पर एक महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर, यहां पर आर्कटिक महासागर में यहां पर एक सागर है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर, कौन सा सागर है यहां पर, तो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर, और यहां पर एक सागर है, और यहां जो सागर है इस सागर का नाम है बेरिंग सागर, अर्थात बेरिंग सागर की स्थिति कहां है, प्रशांत महासागर में, और ब्यूफोर्ट सागर की स्थिति कहां है, आर्कटिक महासागर। तो बेरिंग सागर कहां पर है, प्रशांत महासागर में है, और ब्यूफोर्ट सागर कहां पर है, आर्कटिक महासागर, मतलब ए सुमेल है। अब अगर हम देखते हैं कोरल सागर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो हम अगर बात करें कोरल सागर की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व दिशा में, ए रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ए रहा आपका यहां पर ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से, ठीक ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा, अगर हम ये देखें तो ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है, और इन दोनों के बीच में यहाँ उत्तर पूर्व दिशा में एक यहाँ पर सागर है उत्तर पूर्व दिशा में जिसका नाम क्या है, तो यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम कोरल सागर, और यहाँ पर एक विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर एक प्रवाल भित्ति है, ठीक ना। तो इस अगर हम यहाँ पर महासागर की बात करें, तो एशिया, सॉरी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में जो महासागर है, इस महासागर का नाम क्या है, तो इस महासागर का नाम प्रशांत महासागर है, तो कोरल सागर जो है वो प्रशांत महासागर में है, इसलिए ए वाला इसका विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेल नहीं है, कौन सा, कोरल सागर का संबंध हिंद महासागर से नहीं है, बल्कि कोरल सागर का जो संबंध है वो जिस महासागर से, उस महासागर का नाम क्या है, उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर है, प्रशांत। चलिए, तो दूसरे का कौन सा सही सुमेल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन की ओर, कह रहा गंगा नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका संबंध पांच राज्यों से है,
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से डेल्टा बनाती है, उत्तर प्रदेश में बिहार के मध्य सीमा बनाती है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो सबसे पहले दो नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी का नाम है भागीरथी, एक नदी का नाम भागीरथी और दूसरी नदी का नाम है अलकनंदा। एक भागीरथी है और दूसरी अलकनंदा है। भागीरथी अलकनंदा नदी से जहां पर आकर मिलती है, यहाँ पर एक प्रयाग है और यहाँ पर जो प्रयाग है, इस प्रयाग का नाम है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से जिस नदी का निर्माण होता है, इस नदी का नाम है गंगा। देवप्रयाग जिस राज्य में, उस राज्य का नाम उत्तराखंड। गंगा नदी आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर। और बिजनौर से होते हुए आगे बढ़ती है कुशीनगर, कुशीनगर से होते हुए बिहार जाती है, बिहार से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में एक बांध निर्मित है, और पश्चिम बंगाल में जो बांध है, इस बांध का नाम क्या है? तो इस बांध का नाम है फरक्का बांध, और फरक्का बांध से यह नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग जो इसका है वो कहाँ चला जाता है? एक भाग इसका जो है वो बांग्लादेश में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को एक नाम दे दिया गया, पद्मा। और दूसरा भाग जो है वो भारत में ही बहता है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिम बंगाल में इसे हुगली नाम से जानते हैं, ठीक ना। अगर हम बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जाती है, बिहार के बाद झारखंड जाती है, और झारखंड के बाद किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। जब ये कुशीनगर से आगे बढ़ती है तो दोनों राज्यों के मध्य में, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य में, दो राज्यों के मध्य में, कौन से दो राज्य? बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य में इस छोटी सी सीमा बना देती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में सीमा बनाती है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। आइए चारों विकल्पों पर चर्चा करते हैं। कह रहा है गंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका संबंध पांच राज्यों से है। बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से पांच राज्य हैं? तो अभी मैंने पढ़ाया, अभी पांच राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के पहले उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से बिहार है, झारखंड है, और कौन सा है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ए वाली बात दोनों सही है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से डेल्टा बनाती है। तो अगर हम बात करें कि स्वतंत्र रूप से डेल्टा बनाती है, तो ए फरक्का बांध से दो भागों में जब बढ़ती है तो एक बांग्लादेश में चला जाता है, पद्मा, और बांग्लादेश में पद्मा और जमुना आपस में मिलकर एक नदी का निर्माण कर देती है, मेघना। और पश्चिम बंगाल में जमुना किस नदी को कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना नाम दे दिया जाता है गंगा नदी को, सॉरी किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। और जमुना और पद्मा जब आपस में मिलती हैं तो नाम क्या हो जाता है? जमुना और पद्मा आपस में मिलती है तो मेघना, और मेघना नदी ही अंतिम रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण कर देती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि यह किससे मिल जाती है? मेघना नदी, सॉरी पद्मा यानी गंगा किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र यानी जमुना से मिलकर मेघना नदी के नाम से डेल्टा बनाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से बिहार के मध्य सीमा बनाती है, तो ए वाली बात भी सही है। तो प्रश्न नंबर तीन की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा सही सुमेल नहीं है, तो या कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से डेल्टा नहीं बनाती है, ये बात बिल्कुल यहां पर क्या है, ये गलत लिखी हुई है, ये स्वतंत्र रूप से डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए प्रश्न नंबर तीन के बाद आइएगा प्रश्न नंबर चार। और प्रश्न नंबर चार आपकी स्क्रीन पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सत्यकूट का चयन कीजिएगा। पश्चिमी तट का विस्तार पांच राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत को पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट की गांठ कहा जाता है। ऊंटी नाम का पर्यटन स्थल केरल में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। आइएगा प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के तटीय मैदानों की, तो दो तटीय मैदान है भारत के, ये पूरब दिशा में है, इसको नाम दे दिया गया पूर्वी तट, और पश्चिम दिशा में है और इसको नाम दे दिया गया पश्चिमी तट। अर्थात एक पूर्वी तट है और दूसरा पश्चिमी तट। अगर पश्चिमी तट की बात करते तो यहां पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है,
केरल है और तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद यहाँ पर क्या पश्चिम बंगाल, इतने राज्य हैं। अगर हम पश्चिमी तट के राज्यों की बात करें कि पश्चिमी तट पर कौन से राज्य हैं, तो गुजरात एक, महाराष्ट्र दो, गोवा तीन, कर्नाटक चार, केरला पांच, तमिलनाडु छह, यानी पश्चिमी तट का विस्तार छह राज्यों में है, ठीक ना। तमिलनाडु की अगर बात करें, अगर हम तमिलनाडु को डायग्राम में बनाएं, तो तमिलनाडु राज्य ऐसा है, ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में शामिल है। तमिलनाडु राज्य पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में शामिल है। यही कारण है कि कुल राज्यों की संख्या 9 है और पूर्वी तट पर जो राज्य वो 4 हैं और पश्चिमी तट पर 6, और है संख्या कितनी 9, तो फिर ये तो अगर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो भाई 9 संख्या कैसे होगी, क्योंकि तमिलनाडु राज्य को हमने पूर्वी तट में भी शामिल किया 1 2 3 4, ठीक ना, और तमिलनाडु राज्य को हमने पश्चिमी तट में भी शामिल किया, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, ठीक ना। तो तमिलनाडु राज्य दोनों राज्य दोनों तटों में कॉमन है। चलिएगा, अब मान लीजिएगा ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट जहां पर आकर मिलते हैं, यहां पर एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत के पास पूर्वी तट और पश्चिमी तट आपस में आकर मिल जाते हैं, इसलिए नीलगिरी पर्वत को पूर्वी तट और पश्चिमी तट का गांठ या जोड़ या मिलान बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो इसको ज्वाइंट कहा जाता है, यानी गांठ कहा जाता है, या मिलान बिंदु कहा जाता है, मिलान बिंदु, पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलान बिंदु, या इसी को क्या कहा जाता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट का जोड़। किस पर्वत को? नीलगिरी। और नीलगिरी पर्वत पर ही एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, नीलगिरी पर्वत पर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी या ऊटक मंडलम, ऊटी या ऊटक मंडलम। कौन सा पर्यटन स्थल है? तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी या ऊटक मंडलम। और ऊटी या ऊटक मंडलम अगर पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं, तो पर्वत पर तो ये नीलगिरी के है, लेकिन राज्य पूछा जाए तो किस राज्य में है, तो ये जिस राज्य में, उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है तमिलनाडु, ठीक ना। चलिए, उसके बाद एक प्रश्न और है इसमें। हाँ, अगर हम देखें तो सत्यकूट का चयन करना है आपको। कह रहा पश्चिमी तट का विस्तार 5 राज्यों में है, तो अभी हम यहाँ बताएं कि पश्चिमी तट का विस्तार 5 राज्यों में नहीं, बल्कि पश्चिमी तट का विस्तार 6 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 6। नीलगिरी पर्वत को पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट की गांठ कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ऊटी नाम का पर्यटन स्थल केरल में है। ऊटी नाम का पर्यटन स्थल अभी मैंने समझाया आपको केरल में नहीं है, बल्कि कहां है? तमिलनाडु में है। ये वाली बात भी गलत हो गई। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम अनायमुड़ी है, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, नीलगिरी पर्वत के नीचे यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है अन्नामलाई। एक पर्वत है यहां पर नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में जिसका नाम है अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत, कौन सा पर्वत है? अन्नामलाई पर्वत। और इस अन्नामलाई पर्वत पर एक चोटी जो है, इस चोटी का नाम क्या है? तो इस चोटी का नाम है अनायमुड़ी। क्या नाम है? अनायमुड़ी। और अनायमुड़ी जो है वह दक्षिण भारत की, अनायमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें कि अनायमुड़ी जिस राज्य में, उस राज्य का, तो अनायमुड़ी जिस राज्य में, उस राज्य का नाम है केरल। तो यदि ये केरल राज्य में है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यहां से हम एक बात और कह सकते हैं कि यह ना केवल दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि केरल राज्य की भी यह सबसे ऊंची चोटी होगी। केरल राज्य की भी यह सबसे ऊंची चोटी होगी। कह रहे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी। तो ए वाली बात सही है इसमें, यानी चौथी वाली बात सही है। और नीलगिरी पर्वत को पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट की गांठ कहा जाता है, ए सही है। यानी सेकेंड और फोर्थ हमें देखना है किस ऑप्शन में है। तो सेकेंड और फोर्थ अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ये वाला प्रश्न इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा, प्रश्न नंबर 4 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 हमने मैपिंग से लिया है, ऐसे प्रश्न लोक सेवा आयोग पूछ लेता है। अगर वर्ष 2019 की आप पीसीएस परीक्षा का देखेंगे एग्जाम,
तो उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, पहाड़ियों का या पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में विस्तार व्यवस्थित करना है। कहां से कहां? उत्तर से दक्षिण में इनका विस्तार व्यवस्थित करना है। चार पहाड़ियां हैं और या पर्वत कह लीजिएगा, इसका एक का नाम क्या है? तो अगर हम यहां पर बनाते हैं, यहां पर आपका एक पर्वत है जो कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है? अरावली। और अरावली पर्वत के दक्षिण में एक पर्वत है यहां पर, और अरावली के दक्षिण में जो पर्वत है यहां पर, इस पर्वत का नाम विंध्यांचल। और विंध्यांचल के दक्षिण में यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सतपुड़ा। और सतपुड़ा के बाद इस साइड दक्षिण में यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट पर्वत। क्या नाम है? पश्चिमी घाट पर्वत। ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है और नीचे वाली दिशा दक्षिण होती है। तो सबसे उत्तर में अरावली, अरावली के दक्षिण में विंध्यांचल, विंध्यांचल के दक्षिण में सतपुड़ा, और सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिमी घाट, सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिमी घाट। तो सबसे उत्तर में अरावली और सबसे दक्षिण में पश्चिमी घाट। तो अरावली जो है वो सबसे उत्तर में हो जाएगा, यानी पहले नंबर पर उत्तर से दक्षिण। अरावली के बाद विंध्यांचल, विंध्यांचल के बाद सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद पश्चिमी घाट। यानी अरावली यानी सेकंड, थर्ड पहले में आना चाहिए, थर्ड ए मिल गया, उसके बाद फर्स्ट ए वाला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खंड शिक्षा अधिकारी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसके लिए मैं आपको प्रश्नों की प्रकृति बता रहा हूँ, किस प्रकार से हमारा लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछता है। ये केवल एक अनुभव है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर इन प्रश्नों को तैयार किया हुआ है, ठीक ना। हमारे यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी का बैच चल रहा है, और यदि आप लोगों में से कोई भी जो अभी तक हमारे बैच से छूटा रह गया है और ऑनलाइन हमारे साथ तैयारी करना चाहता है, एक छोटा सा प्रोसेस मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 8382955694, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 8382955694। इस पर आपको एंट्री ENTRY एंट्री BEO लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। एडमिशन की प्रक्रिया कितनी, कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी, क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा आपको बता दिया जाएगा और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। आइएगा, बिना किसी देरी के हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है, मैंने भारत के द्वीप समूह अंडमान निकोबार से लिया है। अंडमान निकोबार के पूछ में बारे में यहाँ पर कुछ चीजें पूछी गई हैं, तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनको समझते हैं। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार क्या है? तो अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 572 द्वीप शामिल है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, तो भारत में कहां पर है? तो यहां पर है, और यहां पर जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम क्या है? तो यहां पर जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी यहां पर? तो यहां पर जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। आइएगा, हम अंडमान निकोबार के द्वीपों को बनाते हैं। तो अंडमान के अंतर्गत चार द्वीप है। सबसे उत्तर में जो है इसका नाम है उत्तरी अंडमान, सबसे उत्तर में जो है इसका नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद यहां पर मध्य अंडमान है। कौन सा है? मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंडमान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंडमान, सबसे बड़ा अंडमान है, ठीक ना, सबसे बड़ा अंडमान। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद यहां पर एक अंडमान है जिसका नाम है दक्षिणी अंडमान। इस अंडमान का नाम क्या है? तो इस अंडमान का नाम है दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के बाद यहां पर एक और अंडमान है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान है यहां पर? तो यहां पर एक अंडमान है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद नीचे तीन निकोबार है, इसका नाम है कार निकोबार। कौन सा निकोबार है यहां पर? तो यहां पर एक निकोबार है जिसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार के बाद यहां पर एक निकोबार है जिसका नाम है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और लिटिल निकोबार के बाद यहां पर एक और निकोबार है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा निकोबार है?
तो यहां पर एक और निकोबार है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, और जो अक्षांश रेखा गुजरती है इस अक्षांश रेखा का मान है 10 डिग्री, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया 10 डिग्री चैनल। क्या नाम दे दिया गया? 10 डिग्री चैनल। चैनल क्या होता है? दो जमीन के टुकड़े यानी दो द्वीपों के मध्य में इससे जो जल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम चैनल कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक चैनल है 10 डिग्री चैनल, जबकि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में यहाँ पर एक पैसेज है, और पैसेज भी दो जमीन के टुकड़े के मध्य में स्थित पानी के सक्रिय भाग को हम पैसेज और बड़े भाग को चैनल कह देते हैं। और यहाँ पर एक पैसेज है, और इस पैसेज का नाम है डंकन पैसेज। क्या नाम है? इसका नाम है डंकन पैसेज। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये तीन निकोबार हैं, और इसमें से जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार पर ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है यहाँ पर। और जो यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है, इस सबसे दक्षिणतम स्थान का नाम क्या है? तो इस सबसे दक्षिणतम स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है, कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। आइएगा अब एक एक से प्रश्नों को समझते हैं। कह रहा है ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, अभी अभी बताया हूं, बिल्कुल सही बात है। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान ग्रेट निकोबार है, कहां पर है? इंदिरा पॉइंट कहां है? ग्रेट निकोबार पर। उसके बाद कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है, यह प्रश्न भी बिल्कुल सही है, ठीक ना। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है, या 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में है, ठीक ना। तो ये वाली बात सही हो गई। उसके बाद है अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंडमान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंडमान कौन सा? मध्य अंडमान। तो यहां पर ए वाली भी बात सही हो गई, यानी चारों की चारों बातें सही लिखी हैं। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 6 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 मैंने भारतीय कृषि से लिया है, लिखा है अमन धान बोया जाता है। देखिएगा भारतवर्ष में धान की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, और पूरे वर्ष धान की खेती की जाती है। भारत में धान की तीन किस्में बोई जाती हैं, एक का नाम है अमन धान, एक का नाम है ओस, एक का नाम है बोरो। अमन, ओस और बोरो धान, ठीक ना। ये धान तीन प्रकार की किस्में हैं धान की। अगर हम अमन की धान की बात करते हैं तो यह शीतकाल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? शीतकाल में। ओस की बात करते हैं तो यह कब बोई जाती है? शरद काल में बोई जाती है। और अगर बोरो की बात करते हैं तो यह कब बोई जाती है? ग्रीष्मकाल। कब हो जाती है? ग्रीष्मकाल। तो अमन धान जो शीतकाल में है, अब शीतकाल तो इसमें नहीं दिया, अगर हम देखें इन मंथों में कहां पर शीतकाल मिलेगा हमें, तो नवंबर दिसंबर के समय बोई जाती है। अब आप ये नहीं कह सकते हमसे कि सर नवंबर दिसंबर में तो हमारे यहाँ धान नहीं होती है, तो इसमें ऐसा कहीं लिखा है कि उत्तर भारत की बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो सकती है, पूरे भारत देश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक ना। तो अमन धान जो है वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। किस मौसम में? शीतकाल में बोई जाती है, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, जल संधि से संबंधित है। पूछ रहा है हरमुज जल संधि किसके बीच में पाई जाती है? हरमुज जल संधि पाई जाती है काला सागर तथा मृत सागर के बीच में, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच में, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में। अगर हम हरमुज जल संधि की बात यहां पर करते हैं तो यहां देखिएगा एक विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, और जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरेबियन पेनिनसुला अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है यहां पर? तो यहां पर एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है अरब प्रायद्वीप, और यहां पर कई सारी कंट्री हैं। अगर हम यहां पर कंट्री का नाम लिखें तो यहां पर कौन सा देश है? यहां पर ईरान है। और बीच में जो जल यहां पर है, यहां पर जो जल है इसको फारस की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको एक नाम दे दिया जाता है फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी के नीचे यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है ओमान की खाड़ी।
यहाँ पर ओमान की खाड़ी है, तो ओमान की खाड़ी से अगर आप फारस की खाड़ी जाना चाहते हैं, ओमान की खाड़ी से यदि आप फारस की खाड़ी जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बीच में एक जलसंधि है जिस जलसंधि का नाम है हरमुज जलसंधि। क्या नाम है? हरमुज जलसंधि। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हरमुज जलसंधि किस किस को जोड़ती है, तो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ देती है। और अगर यहीं पर मैं बात करूं कि हरमुज जलसंधि किस किस को अलग करती है, तो हरमुज जलसंधि अरब प्रायद्वीप को किस देश से अलग करती है, तो अरब प्रायद्वीप को अलग कर देती है किस देश से? ईरान देश से। किस देश से अलग कर देती है? तो अलग कर देती है ईरान देश से। ठीक ना, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक ना, चलिएगा। तो ये हो गई ये हरमुज जलसंधि है। ठीक ना, और हमेशा याद रखिएगा जलसंधि का तात्पर्य क्या है। तो जलसंधि का मतलब है जल के दो भागों को जोड़ना और स्थलखंड के दो भागों को अलग करना। ठीक ना, ये क्या होता है, इसको नाम दे दिया जाता है जलसंधि। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। एक साइड लिखा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, डोडाबेटा, ऊटी और शिमला। ठीक ना, चलिएगा। तो देखते हैं एक एक से हम इसकी चर्चा करते हैं और यही चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो अरावली पहाड़ी एक प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। उत्तर पूर्व में दिल्ली से प्रारंभ होती है और दक्षिण पश्चिम में ये गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई है। हमने नाम लिखा अरावली पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? एक या एक से अधिक। तो चाहे हम पर्वत श्रृंखला बोलें चाहे पर्वतमाला बोलें, तो पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला का अर्थ होता है जहां पर एक से अधिक पर्वत हो। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कई सारे पर्वत आते हैं, उन्हीं में से एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट आबू। अगर हम बात करते हैं कि माउंट आबू पहाड़ी किस राज्य में है, तो माउंट आबू पहाड़ी भारत के जिस राज्य में, उस राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। और इसी माउंट आबू पहाड़ी पर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर यहां पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? माउंट आबू की पहाड़ी पर। ठीक ना, तो माउंट आबू पहाड़ी का संबंध अरावली से, बिल्कुल सही बात है। ठीक ना, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? डोडाबेटा अन्नामलाई। तो डोडाबेटा अन्नामलाई पर हम अगर बात करते हैं तो तीन पर्वत की, एक पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत, एक पर्वत का नाम है नीलगिरी अन्नामलाई और एक पर्वत का नाम क्या है? तो एक पर्वत का नाम है कार्डमम। ये तीन पर्वत है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। और ये जो नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम पर्वत हैं है कहां पर? तो ये रहा आपका केरल और ये रहा आपका तमिलनाडु। तो नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम पर्वत जो है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। कहां पर है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत। इसी नीलगिरी पर्वत पर, जो सबसे उत्तर में है, इसी नीलगिरी पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है डोडाबेटा। नीलगिरी पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है डोडाबेटा। और डोडाबेटा जो चोटी है, यह कहां की चोटी है? यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की क्या है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडाबेटा। किस पर्वत पर है? नीलगिरी। अगर हम यहाँ पर राज्य की बात करें तो डोडाबेटा जिस राज्य में है उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। और वही मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। अन्नामलाई पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी चोटी। और जो ये अनाईमुड़ी चोटी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, चर्चा हो चुकी है। तो डोडाबेटा चोटी का संबंध अन्नामलाई पर्वत से है, तो ये वाली बात सही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें ऊटी की, तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको नीलगिरी पर्वत पे ही तमिलनाडु राज्य में, नीलगिरी पर्वत पर ही तमिलनाडु राज्य में एक पर्यटन स्थल है। और जो यहाँ पर पर्यटन स्थल, इसका नाम ऊटी या ऊटक मंडलम है।
क्या नाम है, ऊटी या ऊटक मंडलम पर्यटन स्थल नीलगिरी पर है तमिलनाडु राज्य में, नीलगिरी पर तमिलनाडु राज्य। और अगर हम बात करें धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तो लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और इसी पर शिमला, साथ ही साथ धर्मशाला और साथ ही साथ डलहौजी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यानी ए बात सही सुमेल है, ए बात सही सुमेल है, सही सुमेल कौन सा नहीं, डोडा बेटा का संबंध यहाँ पर अन्नामलाई पर्वत से नहीं है, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 9 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है मैंने वो कहां से लिया है, वो पर्यावरण से लिया है। कह रहा है निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिएगा, सत्य कथन बताना है। अचान कमार अमरकंटक जनमंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। भारत में वर्तमान समय कुल 18 जनमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। यूनेस्को के द्वारा 11 जनमंडल आरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया गया अपनी सारणी में, और यूनेस्को द्वारा हाल ही में जैव आरक्षित क्षेत्र रूप में कंचनजंगा को शामिल किया। आइएगा समझते हैं। पहली बात तो अगर हम बात करें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर हम किसी वनस्पति या जहां पर हम किसी जीव जंतु को क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं, उसी को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा गया। और वर्तमान समय में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में, 18 जैवमंडल क्षेत्र भारत में, और इन 18 जैवमंडल में से 11 को यूनेस्को की सारणी में शामिल किया गया, यूनेस्को की सारणी में शामिल कर दिया गया 11 जैवमंडल क्षेत्रों को। पहले 10 हुआ करते थे, और गैरवे रूप में यानी सबसे बाद में, यानी गैरवे रूप में बोले हैं सबसे बाद में, जिस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने अपनी सारणी में शामिल किया उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम क्या है, सिक्किम। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भारत में सबसे पहले किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा अपनी सारणी में शामिल किया गया था, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों के समीप है। कहां पर, केरल, तमिलनाडु और साथ ही साथ कर्नाटक राज्यों में फैला है, साथ ही साथ कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है, ठीक ना। चलिएगा, तो उसके बाद एक इसमें और पूछा गया है कि अचान कमार अमरकंटक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार कहां पर है, तो अचान कमार अमरकंटक जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो दो राज्यों की सीमा पर है। एक राज्य का नाम है मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। आइएगा एक एक से यहां पर प्रश्न देखते हैं। अचान कमार अमरकंटक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है भारत में वर्तमान समय में कितने जैवमंडल क्षेत्र हैं, 18 जैवमंडल क्षेत्र हैं। सबसे पहले जो भारत का जैवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया था वो नीलगिरी को किया गया था, ठीक ना। उसके बाद यूनेस्को ने 11 जैवमंडल क्षेत्रों को अपनी सारणी में शामिल किया, ये बात भी सही है। और 11वें जैवमंडल क्षेत्र यानी सबसे नवीनतम जिस क्षेत्र को आरक्षण दिया गया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कंचनजंगा। तो चारों की चारों बातें सही है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक ना। बने रहिएगा साथ में, बहुत मजा आएगा अभी आपको। अभी मात्र 10 प्रश्न हुए हैं, अभी और भी प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य कौन सा है। ये बिल्कुल नया है, नवीन है ये, ठीक ना, नया और नवीन है, मैं इसलिए लेकर आया हूं। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली या लद्दाख। अगर हम भारत के केंद्र शासित राज्यों की बात करते हैं तो अब भारत में 8 केंद्र शासित राज्य हो गए, पहले 9 थे अब 8 हो गए हैं। दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया। अब उत्तर पूछा जा रहा है सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो अगर हम भारत का मानचित्र बनाए, अगर भारत का मानचित्र बनाया जाए तो इस प्रकार से बनेगा, और ऊपर वाली दिशा अगर उत्तर की बात करें तो यहां पर एक भारत का केंद्र शासित राज्य दिल्ली, और दिल्ली के और उत्तर में यहां पर एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है यहां पर, इसका नाम चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद यहां पर जो भारत का जो आपका केंद्र शासित राज्य है इसका नाम है जम्मू कश्मीर,
और जम्मू कश्मीर के ऊपर यहाँ पर कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर लद्दाख है। तो यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के बाद क्या है, तो जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख है। ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है और नीचे वाली दिशा दक्षिण। जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक थे, अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य था, तब मैं पढ़ाता था भारत के सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ है। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अगर अब प्रश्न पूछता है भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य, तो भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब पाई जाती है। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइएगा मैं आपको एक एक से सारे कुछ समझा देता हूं। आपको पहली बात तो चार डेट याद रखनी है। पहली बात याद रखना है आपको 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरण है कहां पड़ती है, तो 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरण है, आपको सबसे पहले याद रखना है 22 दिसंबर। और अगर मैं बात करूं कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, इसलिए इसको हम दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन क्या कहते हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं और नाम दे देते हैं दक्षिणायन, ठीक ना। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी, तो एक सिक्का आपका, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य की किरणें कहां पड़ रही हैं, दक्षिण में, दक्षिणायन कहते हैं। और जब दक्षिण में पड़ेंगी, तो दक्षिण में क्या हो जाएगी, गर्मी। इसके विपरीत उत्तर में क्या हो जाएगी, उत्तर में हो जाएगी सर्दी। एक ऐसे देश का नाम बताइएगा जो दक्षिणी गोलार्ध में हो, ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा देश जो दक्षिणी गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया। और एक ऐसा देश जो उत्तरी गोलार्ध में है, उसका नाम क्या है, तो इस देश का नाम क्या हो गया, भारत। क्या हो गया, भारत। दिन और रात की अगर अभिधेय की बात करूं, तो दिन और रात जो है वो 24 घंटे के होते हैं, अर्थात 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। अगर मैं कहूं दिन बड़ा होगा, तो अपने आप समझ जाइएगा रात छोटी होगी, क्योंकि अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात है। अगर मैं दिन को 12 घंटे 10 मिनट का कर दूं, तो रात कितनी हो जाएगी, 11 घंटे 50 मिनट की। कितनी हो जाएगी, 11 घंटे 50 मिनट की। गर्मियों के क्या बड़े होते हैं भैया, तो गर्मियों का दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, रात छोटी होती है। और सर्दियों के क्या छोटे होते हैं, सर्दियों के दिन छोटे और रात बड़ी होती है, ठीक ना। इसी प्रकार से एक और बनता है, एक डेट और याद रखनी है आपको। कौन सी डेट याद रखनी है, तो एक डेट याद रखनी है 21 जून। कौन सी, 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया जाता है, नाम दिया जाता है उत्तरायण। और जब सूर्य की किरणें उत्तर में पड़ेंगी, तो उत्तर में क्या हो जाएगी, गर्मी। और जब सूर्य की किरणें दक्षिण में पड़ेंगी, तो दक्षिण में क्या हो जाएगी, दक्षिण में हो जाएगी सर्दी। अब एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर एक डे है तो दूसरा नाइट है, एक डे है तो दूसरा नाइट है। गर्मियों के क्या बड़े होते हैं, तो गर्मियों के क्या बड़ा हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाएगा, रात अपने आप छोटी हो जाएगी। सर्दियों के क्या छोटे होते हैं, दिन छोटे होते हैं और रात अपने आप बड़ी हो जाएगी। अब आइएगा प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात। देखिएगा अगर इस प्रकार से आए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात, तो लंबी रातें कब की होती हैं, लंबी रात कब की होती है, नाइट बड़ी कब होगी, नाइट बड़ी होती है सर्दी में, कब बड़ी होती है, सर्दी में। और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कब रहेगी, दिसंबर में, या उत्तरी गोलार्ध में हम लोग पाए जाते हैं ना, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कब होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है दिसंबर की, यानी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात, तो 22 दिसंबर को अगर लंबी रात की बात करें, ये रहा लंबी रात कहां पर होगी, एन का मतलब उत्तरी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। सही आंसर 22 दिसंबर। आइएगा बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। भारत का एक ऐसा केंद्र शासित राज्य जिसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, तो अगर हम ऑप्शन देखें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एवं दीप और पुदुचेरी, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो भारत का अगर मानचित्र बनाऊं मैं, भारत का मानचित्र ये रहा। अंडमान निकोबार की बात करूं तो अंडमान निकोबार यहां पर है, लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप यहां पर है,
और अगर दमन एवं दीप की बात करता हूं तो दमन और दीप यहां पर है, ठीक ना। अब बच्चा कौन, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसके अंतर्गत चार जिले आते हैं। एक जिला यहां पर है केरल में, और यहां केरल में जो जिला है, इस जिले का नाम क्या है, तो इस जिले का नाम है माहे। दो जिले इसके तमिलनाडु में है, और दो जिले इसके तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में दो जिले कौन से हैं, तो एक का नाम है कराईकल, एक का नाम है कराईकल, और दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम है पांडिचेरी। कराईकल है और दूसरे का नाम पांडिचेरी है, और एक यहाँ तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में जो है इस जिले का नाम क्या है, यनम। तो यनम, पांडिचेरी, कराईकल और माहे। कराईकल और पांडिचेरी कहाँ पर है, तो एक तमिलनाडु में है, और यनम कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में किस केंद्र शासित राज्य का विस्तार है, जिस केंद्र शासित राज्य का विस्तार है उस केंद्र शासित राज्य का नाम क्या है, पुदुचेरी। कितने जिले आते हैं, चार, तीन राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 13 के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। भारत में पहली रेलगाड़ी का संचालन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया। अगर हम बात करते हैं कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है, तो भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में, भारत में, ये देखिएगा टीटी में पूछा गया क्वेश्चन है इसी वर्ष, भारत में अगर रेलगाड़ी की बात करें तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के मध्य। मुंबई से कहां के मध्य, मुंबई से ठाणे के मध्य एक गाड़ी चलाई गई, और इस ट्रेन ने जो यात्रा की थी वो मात्र 32 किलोमीटर की यात्रा की थी। ये जो ट्रेन है, पहली ट्रेन भारत की, ये कोयला से संचालित होने वाली रेल थी। किससे चलाई गई थी, कोयला से संचालित रेल थी, और कोयला से संचालित रेल थी। साथ ही साथ इस रेल का नाम जो था वो क्या था, तो इस रेल का नाम था ब्लैक ड्यूटी। क्या नाम था, BLACK, ब्लैक ड्यूटी इसका नाम था। और जब ये चलाई गई 1853 में, तो 1853 में भारत का जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का नाम है डलहौजी। कौन था, डलहौजी। डलहौजी ने 1852, 1853 और 1854, इन तीन वर्षों में डलहौजी ने क्या किया, 1852 में डलहौजी भारत में बिजली लेकर आया, 1852 में डलहौजी बिजली लेकर आया, 1853 में भारत में रेल लेकर आया, और 1854 में भारत में तार व्यवस्था लेकर आया, सूचनाओं को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। ये तीनों के तीनों कार्य जो हैं वो किसके द्वारा किए गए, किस गवर्नर जनरल के द्वारा, तो डलहौजी के द्वारा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डलहौजी। सही आंसर डलहौजी। आइएगा प्रश्न नंबर 14 के बाद प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 बड़ा अच्छा है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का वर्षा ऋतु में शुष्क रहने का क्या कारण है। तमिलनाडु में मानसून प्रवेश नहीं करता है, तमिलनाडु में पर्वतीय क्षेत्रों का अभाव है, कोरोमंडल तट वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है, उपरोक्त सभी। चलिएगा इसका हम सबसे अच्छा आंसर देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो तमिलनाडु राज्य की, तो ये रहा आपका तमिलनाडु, और ये रहा आपका केरल, और केरल के बाजू में ये रहा आपका यहां पर ऐसा तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कुछ पर्वत हैं जिनकी चर्चा बार बार हो रही है। जब मानसून आता है तो ये मानसून सबसे पहले केरल की पहाड़ियों से टकराता है, और केरल की पहाड़ियों से टकराने के बाद इसमें इतनी अधिक मात्रा में नमी होती है कि भारी होने के कारण इन पर्वतों के ऊपर नहीं जा पाते हैं, और भरपूर मात्रा में यहाँ पर, कहाँ पर, केरल में वर्षा करते हैं। और जैसे ही केरल में वर्षा कर देते हैं, मानसून यानी जो पवने हैं उनमें की आर्द्रता में कमी आ जाती है, और आर्द्रता में जब कमी आ जाती है अर्थात नमी में जब कमी आ जाती है तो यह हल्की हो जाती हैं, और हल्की होने के बाद इन पर्वतों से ऊपर उठती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक ना। समझिएगा, भारत में अधिकांश वर्षा जो है वो पर्वतों के सहारे होती है। पर्वतों के सहारे होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं।
तो हम यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको पर्वतीय वर्षा का, पर्वतीय वर्षा कैसे होती है। तो मान लीजिएगा ये आपका पर्वत है और जब मानसून यहां से आता है तो मानसून पर्वत के जिस ढाल पर टकराता है, इस ढाल को एक नाम दे दिया जाता है और इस ढाल को नाम दे दिया जाता है पवन सम्मुख ढाल। क्या नाम दे दिया जाता है? इस ढाल को एक नाम दे दिया गया पवन सम्मुख ढाल। और पवन सम्मुख ढाल पर जब ये मानसून टकराता है तो यहां पर भरपूर मात्रा में क्या करता है, यहां पर भरपूर मात्रा में वर्षा करता है। और पवन सम्मुख ढाल के विपरीत वाली ढाल को पवन विमुख ढाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवन विमुख ढाल, अर्थात जहां पर पवने नहीं पहुंचती, पवन विमुख। जब यहां पर मानसून पहुंचेगा ही नहीं, जब यहां पर मानसून पहुंचेगा ही नहीं तो क्या यहां पर वर्षा होगी? तो इस वाले रीजन में वर्षा नहीं होगी। और वर्षा ऋतु में जहां पर वर्षा नहीं होती है उसको क्या नाम दे दिया जाता है? उसको नाम दे दिया जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। और अगर हम कोरोमंडल तट की बात करते हैं तो कोरोमंडल तट ए रहा आपका, ए आपका कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट पर वर्षा ना होने का कारण क्या है? तो कोरोमंडल तट पर वर्षा ना होने का कारण है कि कोरोमंडल तट वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। और वृष्टि छाया प्रदेश कहां पर होगा? जहां पर पवन विमुख ढाल होगा, तो पवन विमुख ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेशों का विकास हो जाता है। तो इसका सही आंसर, सबसे सटीक आंसर क्या होगा? कोरोमंडल तट का वृष्टि छाया प्रदेश, कोरोमंडल तट जो है वो किसमें है? वृष्टि छाया प्रदेश का वो उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइएगा बिना किसी देरी के हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है लद्दाख केंद्र शासित राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है? लद्दाख केंद्र शासित राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो यहां पर मैं भारत का मानचित्र बना लेता हूं। सबसे पहले तो ए रहा भारत का मानचित्र। और भारत के मानचित्र में अगर मुझे लद्दाख को प्रदर्शित करना हो तो कहां करूंगा? तो ए वाला रीजन जो है वो जम्मू कश्मीर है। बकाया पूरा का पूरा रीजन ये क्या है? ये लद्दाख है। और यहां पर एक देश है ऐसा, ये देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। और यहां पर जो यहां पर थोड़ा सा ही स्पर्श करता है ये आपका अफगानिस्तान है। और यहां पर जो पूरा ये लद्दाख का रीजन है पूरा। और यहां पर जो देश है इस देश का नाम है चीन। अर्थात जो लद्दाख है हमारा वो पाकिस्तान को स्पर्श करता है, अफगानिस्तान को स्पर्श करता है और चीन को। पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और चीन, अर्थात तीनों को स्पर्श करता है। तो सभी सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से, करंट के दृष्टिकोण से, करंट भूगोल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 16 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। और ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है वह मैदानी क्षेत्र जहां पर सामान्यतः नदियां विलुप्त हो जाती हैं, वह मैदानी क्षेत्र जहां पर सामान्यतः नदियां विलुप्त हो जाती हैं, भावर, बांगर, खादर, तराई का क्षेत्र, ठीक ना। तो देखिएगा नदियां जो हैं वो हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात हो रही है। ये मान लीजिएगा पर्वत है, ये पर्वत है। पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदियां निकलती हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे यहां पर रेत, कंकड़, पत्थर पाया जाता है। और ये रेत, कंकड़, पत्थर आया कहां से? क्योंकि जब पानी पर्वतों से नीचे उतरता है, जब वर्षा ऋतु में या जब नदियां पर्वतों से होते हुए नीचे प्रवाहित होती हैं तो पर्वतों का कटाव करती हैं। और पर्वतों का कटाव का मतलब है पर्वतों को काटती छांटती हैं, कई सारे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। तो वो अपने साथ रेत, कंकड़, पत्थर को बहाकर लाती हैं और रेत, कंकड़, पत्थर को यहाँ पर एकत्रित कर देती हैं। और जब यहाँ पर से नदी गुजरती है, जब यहाँ से नदी गुजरती है तो इतनी अधिक मात्रा में रेत, कंकड़, पत्थर होते हैं कि यहाँ पर आते आते नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और जहाँ पर इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है भावर। इसको भावर नाम दिया जाता है। और भावर के जो दक्षिण का क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ सतह पर पुनः आ जाती हैं उस क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है तराई। क्या नाम दे दिया जाता है? उस क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है तराई। तो वह क्षेत्र जहां पर आमतौर पर नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, उस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया जाता है? तो उस क्षेत्र को एक नाम दे दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है भावर। क्या नाम दे दिया जाता है? भावर। और भावर के दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वो तराई होता है। अगर हम बात करें सर बांगर क्या होता है, तो खादर क्या?
नदियों के द्वारा बहाकर लाए गई नवीन जलोढ़ मृदा को हम खादर नाम से जानते हैं। तो खादर क्या है? खादर आपकी नवीन जलोढ़ मृदा होती है। खादर क्या है? तो खादर नवीन जलोढ़ मृदा होती है, और साथ ही साथ बांगर जो होती है, जब ये खादर पुरानी हो जाती है तो उस प्राचीन मिट्टी को, उस पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अर्थात बांगर क्या है? तो बांगर जो है वो प्राचीन जलोढ़ मृदा है। बांगर क्या है? तो बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। क्या होती है? प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो इसका सही आंसर वह मैदानी क्षेत्र जहां पर सामान्यतः नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है? इसको नाम दे दिया जाता है भावर। ठीक है ना, चलिएगा प्रश्न नंबर 17 के बाद प्रश्न नंबर 18। ज्वरंदमुख का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ज्वरंदमुख का निर्माण करने वाली नदी, तो सबसे पहले हम ज्वरंदमुख समझते हैं। ज्वरंदमुख होता क्या है? अगर हम ज्वरंदमुख की बात करें तो ज्वरंदमुख को इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है, ASTUARY। एश्वरी किसे कहा जाता है? जब कोई नदी सागर या महासागर में गिरती है तो वह कई भागों में विभाजित हो जाती है, तो वह कई भागों में विभाजित हो जाती है। और जब नदी सागर महासागर में गिरने से पूर्व कई भागों में विभाजित हो जाती है तो इस क्षेत्र का जो निर्माण करती है, इस क्षेत्र को ही क्या नाम दिया जाता है? इस क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है डेल्टा। क्या नाम दे दिया जाता है? डेल्टा। और जब कोई नदी सागर या महासागर में गिरने से पूर्व कई भागों में विभाजित ना होकर एक ही जलधारा के रूप में अपना पानी सागर या महासागर में गिराती है तो उस आकृति को नाम दे दिया जाता है ज्वरंदमुख, इंग्लिश में ऐश्वरी। तो अगर हम ज्वरंदमुख और ऐश्वरी की बात करें तो ये भारत का पश्चिमी तट है और ये भारत का पूर्वी तट है। पूर्वी तट कटा फटा है और यहाँ पर मुलायम मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर मुलायम मृदा पाई जाती है, और मुलायम मृदा पाए जाने के कारण जब नदियां पूर्वी तट पर पहुंचती हैं, ऐसी नदियां जो पश्चिमी तट से निकल के पूर्वी तट पर पहुंचती हैं, तो वह कई भागों में विभाजित होकर किसका निर्माण कर देती है? डेल्टा का। अर्थात पूर्वी तट पर नदियां किसका निर्माण कर देती हैं? तो पूर्वी तट पर नदियां डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। इसके विपरीत पश्चिमी तट जो है वो कठोर है, और कठोर संरचना होने के कारण यहां पर नदियां कई भागों में विभाजित ना होकर एक ही जलधारा के रूप में क्या करती हैं? सागर महासागर में गिर जाती हैं। अर्थात पश्चिमी तट पर नदियां किसका निर्माण करती हैं? तो ऐश्वरी का। अर्थात पश्चिमी तट पर नदियां किसका निर्माण करती हैं? ज्वरंदमुख पर। अब हम उस नदी का पता लगाएंगे जो पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में कौन सा खाड़ी है? तो यहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और अगर पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में यहाँ पर एक सागर है, और इस सागर का नाम क्या है? तो इस सागर का नाम है अरब सागर। तो अरब सागर में जो भी नदियां गिरेंगी वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी बल्कि ज्वरंदमुख का निर्माण करेंगी। तो अगर हम बात करते हैं गंगा, तो गंगा तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा नदी भी उड़ीसा पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो ये कौन सी है? ताप्ती। कौन सी नदी है? तो यहां पर जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती। और ताप्ती नदी क्या है? अपना पानी अरब सागर में गिरा देती है। कहां गिरा देती है? अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां निश्चित तौर पर किसका निर्माण करती हैं? ज्वरंदमुख का। क्यों? क्योंकि अरब सागर के बाजू में पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट जो है वो कठोर संरचनाओं से निर्मित है। दैट्स ऑल, समझ में आई बात? चलिए प्रश्न नंबर 18 के बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्न में सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्न में सुमेलित नहीं है। एक साइड नदी का नाम लिखा है और दूसरी साइड उनका उद्गम केंद्र लिखा है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास का क्षेत्र है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जब तक यह तिब्बत में प्रवाहित होती है, तिब्बत में इसको एक नाम दे दिया जाता है सांगपो नदी। और सांगपो का अर्थ क्या होता है? तो सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाली।
सांगपो का अर्थ क्या होता है? शुद्ध करने वाली नदी, शुद्ध करने वाली नदी। तो शुद्ध करने वाली नदी को हम क्या कहते हैं तिब्बत में? सांगपो कहते हैं। अर्थात ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। कहां से निकलती है? चेमा युगडुंग ग्लेशियर से। सही बात है। यहीं पर मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में ही एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखर चूहिमानी। क्या नाम है? एक ग्लेशियर है यहां पर जिसका नाम है बोखर चूहिमानी, और इस बोखर चूहिमानी से एक नदी निकलती है जो तिब्बत के बाद भारत में आती है, तिब्बत के बाद भारत में आती है और भारत के बाद पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। कहां पर अपना डेल्टा बनाती है? अरब सागर में। अगर नदी की बात करते हैं तो इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु। तो सिंधु कहां से निकलती है? बोखर चू हिमानी। हिमानी मतलब, या हिमानी को इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं। हिमानी या ग्लेशियर का मतलब होता है एक बर्फ का विशाल भूक्षेत्र, एक बर्फ का विशाल भूक्षेत्र जहां से नदियां उद्गमित होती हैं। ठीक ना, गंगा नदी देवप्रयाग लिखा है। तो अभी आपको बताया था मैं कि सबसे पहले दो नदी आती हैं, एक नदी का जो नाम है, एक नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। और दूसरी नदी का नाम क्या है? तो दूसरी नदी का नाम है भागीरथी। एक अलकनंदा, दूसरी भागीरथी, और ये जिस स्थान पर आकर मिलती हैं इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। और देवप्रयाग के मिलने के बाद एक किसका निर्माण कर देती हैं? गंगा। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ पर? उत्तराखंड। तो यह विकल्प भी सही है, यह सही है, यह सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी। बल्कि नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं तो अमरकंटक पठार, कौन सा पठार है? यहां पर एक पठार है जिसका नाम है अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार से जो नदी निकलती है इसका नाम है नर्मदा। और अमरकंटक पठार की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों की सीमा पर है। मध्य प्रदेश वाले रीजन से यह नदी उद्गमित होती है। तो नर्मदा विंध्याचल से नहीं निकलती है, बल्कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक प्लेटू है, अमरकंटक पठार है। ठीक ना, तो कह रहा है कौन सा सही? निम्न में सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो नर्मदा नदी इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक ना, चलिए प्रश्न नंबर 20। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा खनिज धातु पाई जाती है? अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बनाते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने तीन परतों में विभाजित किया। सबसे ऊपर वाला भाग क्रस्ट होता है और इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, और सिलिका और एल्युमिनियम के पाए जाने के कारण इसको सियाल कहा जाता है, सियाल। दूसरा वाला भाग होता है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, सिलिका और मैग्नीशियम के पाए जाने के कारण इसको एक नाम दे दिया जाता है, सीमा। और सबसे नीचे वाले परत में निकेल और आयरन के पाए जाने के कारण इसको एक नाम दे दिया जाता है, नीफे। तो केंद्र जो है, केंद्र जो होता है इसको हम हिंदी में भूपरपर्टी, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। इसको हम सीमा को इंग्लिश में मेंटल और हिंदी में प्रवार कहते हैं, और कोर को हिंदी में अंतरतम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरतम। ठीक ना, तो कोर को अंतरतम कहा जाता है जहां पर निकेल और आयरन पाया जाता है। तो कह रहा है पृथ्वी के केंद्र, केंद्र मतलब अंतरतम भाग में, कोर भाग में क्या पाया जा रहा है? दो धातु पाई जाती है, निकेल और निकेल के साथ साथ आयरन। तो निकेल और आयरन, निकेल आयरन पाया जाएगा, अर्थात डी में लिखा ए और बी दोनों, तो ए वाला सही हो जाएगा। अब समझिएगा, पृथ्वी के केंद्र में निकल और आयरन के पाए जाने के कारण ही पृथ्वी किसके भांति व्यवहार करती है? पृथ्वी व्यवहार करती है चुंबक की भांति। पृथ्वी किसके भांति व्यवहार करती है? तो पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक ना, आइएगा प्रश्न नंबर 20 के बाद पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। ए रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? अगर हम जनजातियों की बात करें तो प्रत्येक एग्जाम में एक से दो प्रश्न जनजातियों से जरूर पूछे जाते हैं। अगर हम टोडा जनजाति की बात करते हैं तो ये जो टोडा जनजाति है, ये जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो जादू टोना में विश्वास करती है, इसलिए इस जनजाति को जादू टोना वाली जनजाति कहा जाता है। मुख्य रूप से इन जनजातियों का जो निवास स्थान है, वो केरल एवं तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं। कहां पर? केरल और तमिलनाडु की पहाड़ियों पर पाई जाती है टोडा जनजाति।
अगर हम केरल और तमिलनाडु के पर्वतों की बात करते हैं तो कई बार चर्चा इनकी हो गई है, एक केरल है एक तमिलनाडु है, और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर तीन महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, एक का नाम आपकी नीलगिरी है, अन्नामलाई है और कार्डमम है। तो जो ये जनजातियां हैं ये नीलगिरी पहाड़ी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तो टोडा जनजाति केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। अब अगर पहाड़ी यहाँ पर प्रश्न में पहाड़ियां पूछा है तो किस पहाड़ी पर सबसे अधिक पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान? नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ियां। अब खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी और जयंतियां पहाड़ी, ये जो तीन पहाड़ी हैं गारो, खासी और जयंतियां, बड़ी चर्चित पहाड़ियां हैं, मेघालय की पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों का नामकरण भी वहां पर रहने वाली जनजातियों के आधार पर हुआ। इन पहाड़ियों का नामकरण भी वहां पर रहने वाली जनजातियों के आधार पर हुआ। गारो पहाड़ी पर गारो नाम की जनजाति रहती है, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति, और जयंती पहाड़ी पर जयंती जयंती जनजाति। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। चलिए प्रश्न नंबर 21 के बाद प्रश्न नंबर 22 विश्व भूगोल से है और बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? अब शीतोष्ण घास प्रदेश को समझने के लिए सबसे पहले हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को समझते हैं। तो यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर यहाँ पर एक रेखा होती है, इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पर एक रेखा होती है जिसका नाम है कर्क रेखा, मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर एक रेखा होती है जिसका नाम होता है मकर रेखा। एक कर्क रेखा है और दूसरी कौन सी रेखा? मकर। तो जो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, इसको हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय के नाम से जानते हैं। यहां पर एक रेखा और होती है जिसका मान होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, या एक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है 66.5 डिग्री साउथ। तो कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री साउथ, यानी 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको एक नाम दे दिया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक नाम दे दिया जाता है, और नाम दे दिया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। पूछ रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रदेश कौन सा नहीं है? अगर हम इन सभी मैदानों की बात करें, कहां पर कौन सा मैदान है, इन सभी मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी पृथ्वी है, और यहां पर हम बना लेते हैं कौन सी रेखा? यहां पर आर्कटिक वृत्त हो गया मान लीजिएगा, और यहां पर हमारा, यहां पर एक रेखा हो गई कर्क, और यहां पर एक कौन सी रेखा होगी? मकर। और मकर के नीचे 66.5 डिग्री एस को हम बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। क्या नाम दिया जाता है? अंटार्कटिका। एक एक से अगर हम कैंपोस घास के मैदान की बात करते हैं तो कैंपोस घास के मैदान जो है वो जिस देश में पाए जाते हैं उस देश का नाम है ब्राजील, और ब्राजील देश जो है वो कर्क और मकर रेखा के मध्य में है, यानी कैंपोस घास के मैदान, कौन से घास के मैदान? कैंपोस घास के मैदान कर्क और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, और कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, अर्थात कैंपोस घास के मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगर हम पंपास घास के मैदान की बात करते हैं तो पंपास घास के मैदान जो है वो अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं, और अर्जेंटीना देश जो है वो मकर रेखा के नीचे स्थित है, और मकर रेखा के नीचे है तो एक किस कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनका नाम पंपास है। उसका बेल्ड घास के मैदान की बात करें तो बेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में ही कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? बेल्ड घास के मैदान। और साउथ अफ्रीका के ऊपर से एक रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है? मकर। तो मकर रेखा के नीचे है, मकर रेखा के नीचे है, अर्थात बेल्ड घास के मैदान यहां पर है, और मकर रेखा के नीचे वाला क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है। उसके बाद है डाउंस। अगर हम डाउंस घास के मैदान की बात करते हैं
तो डाउन्स घास के मैदान जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया से होते 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 हुए कौन सी रेखा गुजरती है? मकर। तो ये मकर रेखा के नीचे यहां पर जो घास के मैदान है, इन घास के मैदानों का नाम क्या है? तो इन घास के मैदानों का नाम है डाउन्स घास के मैदान, अर्थात डाउन्स घास के मैदान, बेल्ड घास के मैदान, पंपास घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, जबकि कैंपुस घास के मैदान जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कैंपोस। कैंपोस शीतोष्ण घास नहीं है बल्कि उष्ण घास है, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 22 के बाद प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 23, टहरी बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर, और ग्लेशियर क्या होता है मैं समझा चुका हूं। गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में एक नदी निकलती है, और जो ये नदी निकलती है इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम भागीरथी। कौन सी नदी यहां पर? तो यहां पर जो नदी है भागीरथी, और भागीरथी नदी पर यहां पर एक बांध निर्मित है उत्तराखंड राज्य में, और जो यहां पर बांध निर्मित है इस बांध का नाम है टेहरी बांध। कौन सा बांध है यहां पर? तो यहां पर जो बांध निर्मित है इस बांध का नाम क्या है? तो इस बांध का नाम है टहरी बांध। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है टहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और टहरी बांध जो है वो किस राज्य में है? तो टहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में है? उत्तराखंड। तो टहरी बांध परियोजना का संबंध जिस राज्य से है उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 के बाद प्रश्न नंबर 24। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड दर्रे दिए गए हैं, एक साइड क्या है? दर्रा। और अगर हम दर्रा और एक साइड क्या दिया गया है? उनसे संबंधित राज्य। तो अगर हम बात करें दर्रा किसे कहते हैं? पर्वत के मध्य से होकर गुजरने वाले मार्ग को दर्रा कहा जाता है। दो पर्वत या एक पर्वत के मध्य से होकर गुजरने वाले मार्ग को हम दर्रा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं लिपुलेख दर्रे की, तो लिपुलेख दर्रा, तीन दर्रे आपको याद रखने हैं। एक का नाम लिपुलेख है, एक का नाम मानाला है, और एक दर्रा आपका नीतिला। लिपुलेख, मानाला और नीतिला दर्रा जो है एक किस राज्य में है? तो ये जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड राज्य को बनाए तो ऐसा उत्तराखंड राज्य, यहाँ पर नेपाल को टच करता है, तो यहाँ पर ये तीन दर्रे हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये तीन दर्रे हैं, और यहाँ पर जो हमारा तिब्बत है तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं तीनों दर्रे। तो लिपुलेख का संबंध उत्तराखंड। नाथुला दर्रा, अगर हम नाथुला की दर्रे की बात करते हैं, हमारा सिक्किम राज्य है, और सिक्किम राज्य में यहाँ पर दो दर्रे याद रखना है, एक का नाम है जोलेपला और एक का नाम है नाथुला। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? वो सिक्किम राज्य में है। उसके बाद है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और इसी रोहतांग रासे रोहतांग इसी रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, और यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? रावी। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पालघाट दर्रा, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कुछ पहाड़ियां हैं, नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम। तो इन्हीं पहाड़ी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में एक दर्रा है, और यहाँ पर जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल को किस राज्य से जोड़ देता है? तो पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु राज्य से जोड़ देता है। तो पालघाट केरल में सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहां पर है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 के बाद प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित देशांतर में कौन सी भारत की प्रमाणिक माध्यान रेखा कहलाती है? इसी को प्रमाणिक माध्यान रेखा, या इसी रेखा का नाम एक और होता है भारत की मानक रेखा। भारत की मानक रेखा इंग्लिश में स्टैंडर्ड लाइन बोला जाता है। भारत की मानक रेखा स्टैंडर्ड लाइन किसे कहा जाता है? तो मानक रेखा या स्टैंडर्ड लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो भारत की ये रेखा कैसे आती है और कौन सी है, आइए समझाते हैं। तो अगर हम बात करें तो भारत की सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य से जो देशांतर रेखा होकर गुजरती है, इसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। चूंकि हम पूर्वी देशांतर में है या पूर्वी गोलार्ध में है, तो हम यहाँ पर ईस्ट लगा देंगे। और भारत के जो सबसे पश्चिमी भाग से जो रेखा गुजरती है,
गुजरात से इसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट। हम पूरब में है इसलिए हम ईस्ट लगा देंगे। अगर मैं आपसे कहूं मानक क्या होता है, मानक मध्य देखिए यहां पर लिखा है मध्याह्न रेखा या माध्य रेखा भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बाबू बताओ 6 और 8 का माध्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 7। मैं कहूंगा 7 कैसे आया, तो 6 और 8 को हमने जोड़ा, 8 और 6 14 और 2 से भाग दे दिया तो कितना निकल गया 7। ऐसे मैं आपसे कहूं कि 11 और 13 का माध्य कितना होगा, 12। कैसे आया, 11 और 13 को हमने जोड़ा तो 11 और 13 कितना हो गया, 24 और 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 12। ठीक ना। अब भारत की मानक रेखा एक है 68, सॉरी देशांतर एक 68 है और एक 97। हम मिनट को नहीं जोड़ते, केवल देशांतर को जोड़ लेते हैं। तो 97 में अगर हम 68 जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना आ जाएगा, 15, 9 और 6 15 और 1 16 और कितने से भाग दे देना है, तो भाग दे देना है हमें 2 से। और जब हम 2 से भाग दे देंगे तो 8 बार भाग जाएगा, 16 पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 5। 2 का 5 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार और 2 दूना कितना आ जाएगा, 4। बचा यहां पर 1, यहां पर दशमलव लगाएंगे, यहां पर 0 बढ़ेगा, 2 से 10 कितना बार कैंसिल, 5, यानी 52.5। और 52.5 को क्या हम 82.5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, चूंकि हम पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए हमने यहां पर ई लगा लिया। तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो इलाहाबाद के समीप नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, साथ ही साथ भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट। तो कौन सी हो जाएगी, 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 को इसमें मिनट के आधार पर लिखा है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो आधा डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 30 मिनट लिखा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 25 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 जो है वो कुछ नदियां हैं जो भारत के, विश्व की 3 महत्वपूर्ण रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को काटती हैं। तो कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो कर्क रेखा को जो नदी काटती है वो भारत में प्रवाहित होती है, और कर्क रेखा को जो नदी काटती है इस नदी का नाम माही है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली या 2 बार विभाजित करने वाली नदी का नाम माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा को काटने वाली एक नदी है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है इस नदी का नाम है कांगो नदी, और कांगो नदी कांगो जायरे देश में बहती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मकर रेखा की, मकर रेखा की, और मकर रेखा की अगर हम बात करें तो एक नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काट देती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी किस रेखा को काटती है, मकर रेखा को काटती है। विषुवत रेखा कौन सी नदी काटती है, विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है, और कर्क रेखा को, कर्क रेखा को लूनी नदी काटती है। तो कर्क रेखा का क्या होगा, एक का पहला या तो सेकंड फर्स्ट वाला या थर्ड वाला। मकर रेखा का संबंध सी से, यानी दूसरे का सी मिल गया, और तीसरे का क्या होना चाहिए, तीसरे का बी होना चाहिए। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए सी बी। ठीक ना, इसका ए, इसका मकर रेखा का क्या हो जाएगा, मकर रेखा दूसरे का सी हाँ, और तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का भाई सही है। ठीक ना, चलिए ए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न नंबर 26 के बाद प्रश्न नंबर 27, वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, यंत्र पूछ लिए जाते हैं। तो वायुदाब मापने का जो यंत्र होता है, वायुदाब मापने वाले यंत्र को हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। और यदि बैरोमीटर जो है, इस बैरोमीटर में यहाँ पर पाठ्यांक होता है, मान लीजिएगा यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो यदि बैरोमीटर जो है, वायुदाब मापी यंत्र, यदि इसके पाठ्यांक में, मान लीजिएगा सुई अभी 5 पर है, सुई मान लीजिएगा 5 पर है, यानी वायुदाब मान लीजिएगा 5 है, और अचानक से क्या हो जाता है, इस सुई में गिरावट हो जाती है और वायुदाब अचानक से 2 हो जाता है, तो वायुदाब मापी में होने वाली गिरावट
खतरनाक होती है और ये किसका संकेत देती है, ये संकेत देती है तूफान का। किसका संकेत देती है? तूफान का। तो यदि वायु दाब मापी में किसी भी प्रकार के पाठ्यांक में उसकी गिरावट होती है तो यह है तूफान का संकेत देती है। किसका संकेत देती है? तूफान। अगर हम बात करें लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मामीटर, थर्मामीटर से हम अपना ज्वर मापते हैं, बुखार मापते हैं। और सेक्टोमीटर, तो सेक्टोमीटर एक यंत्र होता है, आप विज्ञान में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसका प्रश्न नंबर 27 का जो सही आंसर है, वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वायुदाब मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 27 के बाद प्रश्न नंबर 28, ये बहुत अभी चर्चा में है, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? अगर हम रामसर की बात कर रहे हैं तो रामसर ईरान का एक शहर है, रामसर ईरान का एक शहर है। और इस ईरान के शहर में 1971 ईस्वी में आर्द्र भूमि या बेटलैंड के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि, नम भूमि या बेटलैंड के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन बुलाया गया। और ये सम्मेलन जो है वो 2 फरवरी 1971 को बुलाया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी 1971 में इस सम्मेलन बुलाया गया था। पूछ रहा है रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रामसर सम्मेलन का संबंध जो है वो नम भूमि से है, नम भूमियों के संरक्षण से है। अगला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कहां का शहर है? तो रामसर जो है वो कहां का शहर है? वो ईरान का एक महत्वपूर्ण शहर है, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 28 के बाद प्रश्न नंबर 29 वायुमंडल से संबंधित है। तो यहां पर मैं एक वायुमंडल आपके लिए बना देता हूं। वायुमंडल में पांच परतें होती हैं। जो सबसे नीचे वाली परत होती है इसका नाम होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरी परत होती है इसका नाम होता है समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद जो तीसरी परत होती है इसका नाम है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। उसके बाद जो होती है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद जो होती है इसका नाम होता है बाह्य मंडल। क्या नाम होता है इसका? तो इसका नाम होता है बाह्य मंडल। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल जो है यहाँ पर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। क्या घटित होती हैं? तो यहाँ पर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद अगर हम समताप मंडल की बात करें तो तापमान समान होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। आसमान स्वच्छ रहते हैं, साफ रहता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या उड़ाते हैं? इसलिए यहाँ पर हम वायुयान उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? वायुयान। मध्य मंडल की कोई विशेषता नहीं है, ऊंचाई जाने पर तापमान में कमी आती है। आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं और आयन पाए जाने के कारण यहाँ पर हम अपने उपग्रह स्थापित करते हैं। यहाँ पर हम क्या स्थापित करते हैं? उपग्रह। और धरातल से जो उपग्रह को तरंगें भेजी जाती हैं उन तरंगों का नाम रेडियो तरंगें होती हैं। तो रेडियो तरंगें इसी मंडल में जाती हैं उपग्रह के पास और लौटकर पुनः धरातल पर आ जाती हैं। वायुमंडल जो सबसे बाहरी मंडल होता है, इस वायुमंडल में सबसे बाहरी मंडल में जो गैसें पाई जाती हैं इन गैसों का नाम है अक्रिय गैस। और अक्रिय गैसों के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो जैसे आर्गन है, नियॉन है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, इन सभी को अक्रिय गैस कहा जाता है। आइए सुमेल कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल का संबंध किससे है? मौसमी घटनाओं से है। समताप मंडल का संबंध किससे? वायुयान उड़ाए जाते हैं। आयन मंडल में आयन स्थापित किए यानी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो उपग्रह तो ऑप्शन में नहीं है, यानी रेडियो तरंगों का यहाँ से परावर्तन होता है, आती हैं और यहाँ से लौट के वापस चली जाती हैं। और वायुमंडल में क्या है? अक्रिय गैस से पाई जाती है यानी क्रम से है। तो 1, 2, 3, 4 वाला ये वाला इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खंड शिक्षाधिकारी में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 29 के बाद प्रश्न नंबर 30। पृथ्वी के एल्बिडो का क्या तात्पर्य है या पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है? आइएगा एल्बिडो को हम समझाते हैं। एल्बिडो
एल्बिडो का फुल का फॉर्मूला होता है पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा अपॉन पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर ऊर्जा कुल सौर ऊर्जा इंटू सौ। मान लीजिएगा सूर्य के द्वारा कितनी ऊर्जा आ रही है 100%, यानी पृथ्वी को मान लीजिएगा 100% या 100 इकाई यूनिट मिली, उसमें से पृथ्वी क्या करती है कुछ को परावर्तन कर देती है, और लगभग पृथ्वी 35% ऊष्मा का परावर्तन कर देती है, और यहां पर किसका गुणा कर देना है 100 का, तो ये पृथ्वी का एल्बिडो आ गया। एल्बिडो क्या होता है कि मान लीजिएगा यहां पर सूर्य है, ये सूर्य है और यहां पर हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक मंडल पाया जाता है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो जब सूर्य की ऊष्मा आती है, सूर्य के द्वारा प्रकाश आता है, तो कुछ तो यहां से वायुमंडल के द्वारा परावर्तित हो जाता है और कुछ प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, और जब पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है तो पृथ्वी कुछ मात्रा में प्रकाश को ग्रहण करती है और कुछ मात्रा में प्रकाश को परावर्तित कर देती है। तो जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है और जितनी परावर्तित हो जाती है उन दोनों के अनुपात को ही एल्बिडो कहा जाता है, उन दोनों के अनुपात को ही एल्बिडो कहा जाता है, और एल्बिडो को हिंदी में परावर्तिता गुणांक कहा जाता है। परावर्तिता गुणांक क्या कहा जाता है? परावर्तिता गुणांक कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के एल्बिडो का तात्पर्य है भूतल द्वारा सूर्य तप को सोखना, वायुमंडल, ये मंडल लिखा है, वायुमंडल द्वारा सूर्य तप को सोखना, भाई वायुमंडल सूर्य तप को सोखता नहीं है बल्कि परावर्तित करता है, भूतल द्वारा सूर्य तप का अंतरिक्ष में परावर्तन, या भूतल द्वारा प्राप्त कुल सूर्य तप तथा परावर्तित सूर्य तप का अनुपात, तो यही वाला सही हो जाएगा। हमने आपको बताया कि जितना सूर्य का प्रकाश आया उसमें से पृथ्वी कुछ अपने पास अवशोषित कर लेती है और कुछ का परावर्तन कर देती है, इसी को नाम दे दिया गया एल्बिडो। और पृथ्वी जितनी मात्रा में अवशोषित कर लेती है रात में उसी ऊष्मा को अपनी सतह से बाहर क्या कर देती है, बाहर उत्सर्जित कर देती है, ठीक ना। तो 30 का डी हो गया, ठीक ना, एल्बिडो का अर्थ। उसके बाद प्रश्न नंबर 31, यहां पर कुछ पवनों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, कौन सी पवन कहां पर चलती है। अगर मैं फौन पवन की बात करूं तो ये फौन पवन जो है वो स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में चलती है, स्विट्जरलैंड इटली के क्षेत्र में चलती है, और स्विट्जरलैंड और इटली में एक पर्वत फैला हुआ है, और जो पर्वत स्विट्जरलैंड इटली फ्रांस ऑस्ट्रिया देश में फैला हुआ है, इस पर्वत का नाम है आल्पस। आल्पस यूरोप महाद्वीप के 5 देशों में फैला है, एक का नाम है फ्रांस, एक का नाम है इटली, एक का नाम है स्विट्जरलैंड, एक का नाम है जर्मनी, और एक का नाम है ऑस्ट्रिया। और इसी पर्वत के समीप एक ठंडी हवाएं चलती हैं जिनको फोन नाम से जाना जाता है। तो फोन पवन का संबंध किससे है? आल्पस पर्वत। चिनूक, आपने कई बार नाम सुना होगा, भारत सरकार चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदेगी, कहां से? यूएसए से। यूएसए में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है यूएसए में? रॉकी। और रॉकी पर्वत के समीप ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको हम क्या नाम से जानते हैं? चिनूक। तो चिनूक उत्तर अमेरिका का रॉकीज पर्वत के समीप चलती है। उसके बाद मिस्टर पवन जो है वो रोन नदी जो है वो जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है और जाके अपना पानी गिराती है उत्तर सागर में, और रोन नदी के क्षेत्र में ही, रोन नदी घाटी में ही एक पवन चलती है जिनका नाम है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल का संबंध हो गया रोन, और ब्रिक फील्डर जो पवने होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं, अर्थात सही 1, 2, 3, 4 से जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक ना। विश्व भूगोल से है, इस प्रकार प्रश्न बनते हैं, ठीक ना, कई सारी पवने हैं, ठीक ना। तो फौन का संबंध आल्पस पर्वत से है, चिनू का संबंध उत्तर अमेरिका से, मिस्टर का रोन घाटी से है, ब्रिक फील्डर या ब्रिक फील्ड
एवरेज फील्डर का संबंध होता है वो ऑस्ट्रेलिया से होता है, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 31 के बाद प्रश्न नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर कुछ चक्रवातों के नाम हैं और चक्रवातों के नाम हैं तो आइएगा सबसे पहले हम समझ लेते हैं चक्रवात। अगर हम चक्रवात की बात करते हैं तो मैं केवल आपको अभी थोड़ा सा चक्रवात की मीनिंग क्या होती है केवल वो समझा रहा हूँ। चक्रवात उत्पन्न कैसे होते हैं वो क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। अगर हम चक्रवातों की बात करते हैं तो यहां पर मैंने दो शब्दों में इसको तोड़ लिया, एक का नाम है चक्र और एक है बात, और बात को हमने एक नाम दे दिया, बात को क्या नाम दे दिया, वायु। यानी वायु, अगर हम वायु समझें तो जब हवा क्षैतिज रूप से चलती है तो हवा के क्षैतिज बहाव को हम पवन के नाम से जानते हैं और हवा के लंबवत प्रवाह को हम किस नाम से जानते हैं, तो हवा के लंबवत प्रवाह को हम किस नाम से जानते हैं, हम वायु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वायु। अब ये जब वायु गर्म होगी ऊपर कब जाएगी, जब वायु गर्म होगी, और वायु गर्म कब होगी, जब टेम्परेचर अधिक होगा। तो जब टेम्परेचर अधिक होगा उस समय कौन सी ऋतु होती है, तो उस समय जो ऋतु होती है उस ऋतु का नाम ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो वायु है वो वायु गर्म होगी या हवा जो है हवा गर्म होगी, और जब ये हवा पृथ्वी के घूर्णन के कारण गोल गोल चक्र के रूप में ऊपर उठती है तो इसी को क्या नाम दे दिया जाता है, चक्रवात। और चक्रवात का जो छोटा रूप आपने कई बार देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसको नाम दिया जाता है बवंडर। क्या नाम दिया जाता है, बवंडर। तो चक्रवात इसे कहा जाता है। विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चक्रवात आते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइफू, एक टाइफू होता है, एक टाइफून होता है। टाइफू, अगर टाइफू की बात करें तो टाइफू जो चक्रवात है वो जापान में चक्रवातों को टाइफू कहा जाता है, और चीन में किस नाम से जानते हैं, टाइफून के नाम से। उसके बाद बिली बिली, एक कई बार पूछा जाता है बिली बिली जो चक्रवात है वो जिस देश में आता है उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया में आता है बिली बिली, ठीक ना। उसके बाद भारत में इसको चक्रवात नाम से ही जाना जाता है। भारत में किस नाम से जाना जाता है, चक्रवात। कहाँ नाम दिया गया, भारत में। उसके बाद हरिकेन, हरिकेन नाम कहाँ दिया गया, यूएसए और कनाडा में। या हरिकेन जो बेसिकली हरिकेन इसको नाम दिया जाता है वो कैरेबियन सागर में दिया जाता है, कैरेबियाई देशों के सम्मुख, कैरेबियन देशों में। कौन से देशों में, कैरेबियन देश में। उसके बाद टॉर्नेडो, और टॉर्नेडो कहां पर नाम दिया जाता है, तो यूएसए और कनाडा में, यानी रॉकी पर्वत के समीप, यूएसए और कनाडा में, ठीक ना। अब आइएगा यहां देखिएगा प्रश्न लिखा है, लिखा है कौन सा सही सुमेलित है, तो टाइफू, टाइफू जापान में आता है, बिल्कुल सही बात है। टाइफून ऑस्ट्रेलिया में आता है, गलत हो गया। बिली बिली चीन में आता है, ये भी गलत हो गया। हरिकेन कहां पर आता है, कैरिबियन देश, और कैरिबियन देश के पास ही यूएसए है। अगर हम यूएसए और कैरिबियन देश का मानचित्र बनाए तो इस प्रकार से ये है। यहाँ पर एक आपकी खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पर यूएसए का फ्लोरिडा है, और यहाँ पर कैरेबियन सागर है। तो यूएसए का जो पूर्वी तट है वो किससे प्रभावित होता है, हरिकेन से प्रभावित होता है। तो पहला और चौथा आंसर इसमें सही है, तो एक और चार ऑप्शन डी में सही है, तो इसका सही आंसर एक और चार हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 32 के बाद प्रश्न नंबर 33 पूछा जा रहा है अवसादी चट्टानों के बारे में। तो हम सबसे पहले अवसादी चट्टान समझ लेते हैं, अवसादी चट्टान होती क्या है। तो अगर हम अवसादी चट्टानों के बारे में समझें, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में से बाबू मैं एक शब्द हटा देता हूं, और मैं शब्द हटा देता हूं अवसादी में से मात्रा। अगर मैंने अवसादी में से दामे जो मात्रा थी वो हटा दी तो ये क्या बचा, अवसाद। और अवसाद का मतलब क्या होता है, अवसाद का मतलब होता है बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग। कोई चट्टान है, मान लीजिएगा ये चट्टान है, यहां पर बादल बने, और बादल बनने के बाद बारिश हो गई। जैसी बारिश हो जाएगी तो इस चट्टान में क्या आ जाती है, इस चट्टान में नमी आ जाती है। और जैसी बादल बनेंगे इस चट्टान में नमी आ जाएगी, उसके बाद ये बादल चले जाएंगे, और जब बादल चले जाएंगे तो यहां पर कौन आएगा, तो यहां पर सूर्य आएगा। और सूर्य का जब प्रकाश चट्टान पर पड़ेगा, सूर्य का जब प्रकाश चट्टान पर पड़ेगा तो इस चट्टान का टेम्परेचर बढ़ेगा और चट्टान छोटे छोटे भागों में टूट जाएगी। जब चट्टान छोटे छोटे भागों में टूट जाएगी तो इस प्रक्रिया को एक नाम दे दिया जाता है अपक्षय। क्या नाम दिया जाता है, अपक्षय।
और ये जो टूटे टूटे भाग हैं हवा या पानी के माध्यम से, ये टूटे हुए भाग एक स्थान से कहाँ चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं। इन्हीं चट्टानों को क्या नाम दे दिया जाता है, इन्हीं चट्टानों को नाम दे दिया जाता है अवसादी चट्टान। इन चट्टानों को क्या नाम दे दिया जाता है, तो इन चट्टानों को नाम दे दिया जाता है अवसादी चट्टान। तो बताइएगा क्या अवसादी चट्टान जो है कई प्रकार के यहां से टूटे फूटे भाग आए उनके एकत्रण से एकम बनी है, तो क्या इसमें दरारें पाई जाएंगी, बिल्कुल पाई जाएंगी। क्या यहाँ पर जीव जंतुओं का विकास होगा, बिल्कुल होगा, ठीक ना, क्योंकि दरार है और ठंडा हो चुका है इसलिए यहाँ पर किसका जीव जंतु भी पाए जाएंगे, साथ ही साथ इनमें बीच बीच में स्पेस यानी दरारें भी पाई जाती हैं। अब आइएगा प्रश्न क्या कह रहा है, अवसादी चट्टानों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, ए स्तरों के रूप में पाई जाती है, ठीक ना, ये बात सही नहीं है, ये बात तो स्पष्ट इसमें कि किसके रूप में पाई जाती है, स्तरों के रूप में, यानी इनमें क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती हैं, ये भूतल के लगभग आधे भाग पर फैली हुई है, ये वाली बात गलत है, भूतल के आधे भाग पर जो है आग्नेय चट्टानों का कब्जा है, ठीक ना। उसके बाद इनमें रबे पाए जाते हैं, रबे जो है, रबे क्या होता है, जब कोई चट्टान का निर्माण होती है तो उसमें इस प्रकार से दाने बन जाते हैं और दाना उसी चट्टान में बनता है, रबे उसी चट्टान में बनते हैं जो लावा के गर्म होने के बाद तुरंत बनती है, और उस चट्टान का नाम है कौन सी चट्टान, तो उस चट्टान का नाम है आग्नेय। तो इसमें रबे नहीं पाए जाते हैं बल्कि इसमें परतें पाई जाती हैं, ये वाली बात भी गलत है। ये परिवर्तन के साधनों द्वारा निक्षेपण क्रिया द्वारा बनती है, बिल्कुल बनती है। निक्षेपण का मतलब होता है कि जब कोई नदी प्रवाहित होती है तो अपने साथ अवसादों को बहाकर ले जाती है और उन अवसादों को एक स्थान पर आकर वो छोड़ देती है। इस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निक्षेपण। और जब वो अवसादों को एक स्थान पर छोड़ देगी तो धीरे 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 वो एक चट्टान का रूप धारण कर लेंगे, कौन सी चट्टान का रूप धारण कर लेंगे, अवसादी। तो ये वाली बात भी इसमें सही है। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है, यानी ये वाला प्रश्न इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर पूछता अवसादी चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहली वाली बात और चौथी वाली बात सही थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना, संभल के आंसर देना। चलिएगा प्रश्न नंबर 33 के बाद प्रश्न नंबर 34। एक साइड चोटियों के नाम लिखे हैं और दूसरी साइड उनसे संबंधित पहाड़ी है, आपको मिलाना है। अगर मैं बात करूं गुरु शिखर, तो गुरु शिखर जो चोटी है, मैं लेक्चर में पहले ही बता चुका हूं, आप लोग जो लोग अभी जुड़े हैं पीछे देख लें, तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की चोटी है। डोडा बेटा, इसको भी मैं बता चुका हूं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और जिस राज्य में तमिलनाडु और जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत के जिस पर्वत पर है उस पर्वत का नाम है नीलगिरी, सॉरी अनाईमुड़ी जिस पर्वत पर है उस पर्वत का नाम है अन्नामलाई पर्वत। कौन सा पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। और धूपगढ़, जो धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो मिला लीजिएगा ए का दूसरा ए मिल गया और ए भी मिल रहा है, या तो दूसरा हो गया चौथा हो गया, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा दोनों में मिल रहा है, सी का पहला इसमें मिल गया, डी का चौथा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा, हमारे यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के बैच के लिए सारी की सारी मेहनत की जा रही है, हमारे ऊपर कई सारे बच्चों ने विश्वास किया और हमारे यहाँ एडमिशन लिया। आप लोग फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं कि कितनी ईमानदारी पूर्वक और कितने रणनीति के साथ आपकी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, और उसी क्रम में आलोक सर और रवि सर के कुशल मार्गदर्शन में ये प्रैक्टिस सेट जारी किए गए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, यहाँ से 50 क्वेश्चन होंगे, कहने को ये 50 क्वेश्चन है लेकिन इनसे कई सारे क्वेश्चन आपका एक प्रकार का रिवीजन हो जा रहा है। अभी भी आपके पास एक मौका है, जो हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, एक नंबर है जिसको मैं 2 मिनट में अभी बता देता हूं। नंबर है हमारा 8283955694, ठीक ना, ये हमारा नंबर है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, 8283955694। इस नंबर पर आपको BEO इंट्री लिखकर सेंड कर देना है,
एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को समझा दी जाएगी। अभी भी मौका है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप सफलता पा सकते हैं, ठीक ना। आप प्रश्न नंबर 35 पर चर्चा करते हैं। एक साइड झीलों के नाम लिखे हैं, दूसरी साइड राज्य लिखे हैं। अगर हम बात करते हैं झीलों की तो समझिएगा, अगर हम बेमनाद झील की बात करें तो बेमनाद झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है और इसी झील में भारत का सबसे छोटा एनएच NH-47A निर्मित है। तो बेमनाद झील कहां पर है? बेमनाद झील केरल में है। उसके बाद पुलिकट झील की बात करते हैं तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। यहीं पर हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसरो, तो पुलिकट झील का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से, ठीक ना। उसके बाद चिल्का, जो कि भारत के साथ साथ एशिया महाद्वीप की सबसे खारे पानी की झील है और इस झील का जो क्षेत्र है वो ओडिशा है। सांभर, जो कि एक लवणीय झील है, आप एफएम वगैरह सुनते होंगे, आता है देश का नमक, टाटा नमक, राजस्थान की सांभर झील से निर्मित। तो सांभर जो एक लवणीय यानी खारे पानी की झील है, कहां पाई जाती है? राजस्थान में। अब सुमेल कर लीजिएगा, ए का दूसरा तो ए का दूसरा दूसरा ये हो सकता है, बी का पहला तो बी का पहला हो गया, सी का चौथा तो सी का चौथा हो गया और डी का तीसरा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 35 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36। और प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत में इनकी संख्या कितनी है। भारत में इनकी संख्या 18 है और 18 में से 11 को यूनेस्को के द्वारा संरक्षण दिया गया। सिमलीपाल की बात करें तो ये ओडिशा राज्य में है। कहां पर है? ओडिशा राज्य में है। नौकरेक की बात करें तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। मानस जो है, मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था, मानस जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए आरक्षित है और यह भारत के जिस राज्य में, उस राज्य का नाम है असम, जबकि यहां पर लिखा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि मानस जो है वो किस राज्य में? असम में है। और उसके बाद पंचमणी, तो पंचमणी मध्य प्रदेश में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 36 के बाद प्रश्न नंबर 37। यहां पर कुछ योजनाओं के नाम लिखे गए हैं और दूसरी साइड नदी का नाम लिखा गया है। तो अगर हम बात करें उकाई परियोजना, तो उकाई परियोजना जो है आपकी वो गुजरात राज्य में है और जिस नदी पर निर्मित है उस नदी का नाम है ताप्ती। तो उकाई परियोजना का संबंध ताप्ती नदी से हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सरदार सरोवर बांध की, सरदार सरोवर बांध, तो जो सरदार सरोवर बांध है, इस सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, और जिस राज्य में है उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उसके बाद बात करते हैं हीराकुंड, तो हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड वो महानदी पर निर्मित है, महानदी पर, और जिस राज्य में स्थित है हीराकुंड उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम उड़ीसा। तो हीराकुंड महानदी पर है उड़ीसा राज्य में। हुसैन सागर, तो हुसैन सागर अगर बांध की बात करें तो हुसैन सागर बांध का संबंध जो है वो गोदावरी नदी से है। किस नदी से है? गोदावरी नदी से है। और ये हुसैन सागर बांध जिस राज्य में है उस राज्य का नाम तेलंगाना है। किस राज्य में है? तेलंगाना। तो हुसैन सागर का संबंध हो गया गोदावरी से। मिला लीजिएगा ए का दूसरा ए वाला मिल गया, तो सीधा ही सीधा में ऑप्शन मिल गया, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। सूचियों से संबंधित हैं सारे प्रश्न भी। एक साइड मैंने यहां पर सूची एक, सूची दो, और सूची एक में यहां पर मैंने दर्रों के नाम लिखे हैं। सूची एक में यहां पर दर्रे के नाम लिखा है, दर्रा, और उससे संबंधित यहां पर क्या लिखा है? उससे संबंधित यहां पर नाम लिखा राज्य। तो अगर हम बात करें यांगयाब दर्रा की, तो यांगयाब दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और इसी यांगयाब दर्रे से भारत में एक नदी प्रवेश करती है। और कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अर्थात यांगयाब दर्रा का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। बात करें रोहतांग, मैं बता चुका हूं रोहतांग दर्रा जो है
वो रावी नदी यहां से निकलती है और इधर रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। मानाला, तो नीतिला और मानाला, नीतिला और साथ ही साथ मानाला, नीतिला मानाला दर्रा दो ऐसे दर्रे हैं जो सॉरी और एक और लिपुलेख ऐसे दर्रे हैं जो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं और ये दर्रे जो हैं ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो मानाला कहां पर हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो जौलेपला बचा, इसका संबंध किससे हो गया? तो इसका संबंध हो गया सिक्किम से, यानी ए का तीसरा ठीक ना, बी का दूसरा, तो बी का दूसरा यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, डी का पहला है, चलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 39। लघु हिमालय से संबंधित है, प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं लघु हिमालय की, तो यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है, यानी इस हिमालय की ऊंचाई क्या है? सबसे कम है। और लघु हिमालय का विस्तार दो देशों में, भारत और नेपाल, और नेपाल देश में इसको एक नाम दिया जाता है, नेपाल में इसको एक नाम दिया जाता है महाभारत पर्वत। क्या नाम दिया जाता है? महाभारत पर्वत कहा जाता है नेपाल में, जबकि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में इसको एक नाम दिया जाता है पीर पंजाल। क्या नाम दिया जाता है? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में इसको एक नाम दिया जाता है धौलाधर, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत। और उसके बाद उत्तराखंड राज्य में एक नाम दिया जाता है, और उत्तराखंड राज्य में नाम दिया जाता है मसूरी पर्वत। क्या नाम दिया जाता है? मसूरी। तो जम्मू कश्मीर में क्या नाम दिया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, यानी पीर पंजाल आता है लघु हिमालय के अंतर्गत, धौलाधर आता है, मसूरी भी आता है, महादेव। अगर हम बात करते हैं महादेव की, तो महादेव एक पहाड़ी है जो कि सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश राज्य में महादेव पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कौन सी पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय से संबंधित हैं, तो कौन सी है? पहली है, दूसरी है और चौथी है। तो एक दो और चार, तो एक दो और चार यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एक दो और चार, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39 सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, ठीक ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत ना होकर एक भ्रंस कगार है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये वास्तव में पश्चिमी घाट का विकास तब हुआ जब ए वाला भाग, हम जो है महाद्वीप, हमारा भारत देश अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ था? अफ्रीका। अफ्रीका और भारत की बनावट के आधार पर ऐसा कहा गया। और जब ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो एक दूसरे से जब अलग हुए, तो यहां पर एक कगार मतलब एक गहरी घाटी का निर्माण हो गया, और एक भाग ऊंचा उठ गया, एक भाग नीचा चला गया। तो ऊंचे उठे भाग को एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया पश्चिमी घाट, और इसके नीचे वाले क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया कगार। तो वास्तव में जो पश्चिमी घाट है वो एक कगार या एक वलित पर्वत, सॉरी कगार या एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, ठीक ना। दूसरी बात क्या कह रहा है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियां दरार घाटियों का अनुसरण करते हुए प्रायद्वीपीय पठार का ढाल के विपरीत प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं। देखिएगा, अगर ये बताइएगा, नदी जो होगी वो हमेशा ऊंचे वाले स्थानों से नीचे जाएगी या नीचे वाले स्थानों से ऊपर? तो नदी हमेशा ऊंचे वाले स्थानों से नीचे जाती है। नदी हमेशा ऊंचे वाले स्थानों से कहां जाती है? तो ऊंचे वाले स्थानों से निचले स्थानों की ओर जाती है। अगर हम यहां पर देखें, तो ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। अधिकांश नदियां यहां से निकलती हैं और ऐसे प्रवाहित होती हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेनार है, बैगई है। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं जो इन घाटियों के ऐसे विपरीत दिशा में, ये सभी नदियां ए वाली दिशा पश्चिम है और ये वाली दिशा पूरब है। ये आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये पश्चिम से पूरब बहती हैं, जबकि ये दो नदियां हैं, एक नदी का नाम है नर्मदा और एक नदी का नाम क्या है? ताप्ती। एक कैसे बहती है? पूरब से पश्चिम बहती हैं। और ये दो नदियां ऐसी हैं भारत में जो अरब सागर में अपनी पानी गिराती हैं, साथ ही साथ भ्रंश घाटी में बहती हैं। दो पर्वत होते हैं, दो पर्वत हैं आपके पास,
और उन पर्वतों का जो निचला क्षेत्र होता है उसी निचले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। तो ए वाली बात बिल्कुल सही है। अब कह रहा है उक्त में से कौन से कथन सही है, तो दोनों ही बातें सही हैं, तो दोनों बातें सही हैं अर्थात ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए और दो दोनों। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, तो दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 40 के बाद प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 40 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 41। अगर प्रश्न नंबर 41 को देखें तो लिखा है लक्षद्वीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिएगा, तो लक्षद्वीप हमें समझना है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कहां पर है, तो लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में अरब सागर में, अरब सागर में यहां पर एक भारत का केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है लक्षद्वीप। वास्तव में लक्षद्वीप का निर्माण जो है वो कोरल के द्वारा हुआ है। अगर हम बात करें कोरल क्या है, कोरल जिसको हिंदी में हम प्रवाल कहते हैं, तो प्रवाल एक समुद्री जीव होता है। प्रवाल क्या होता है, एक समुद्री जीव है, और समुद्री जीव जो है ये समुद्री जीव एक कवच के अंदर पाया जाता है, एक कवच के अंदर पाया जाता है, और इस कवच का एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा इसका खुला होता है, और खुले हुए भाग से क्या करता है, खुले हुए भाग से ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जब इसका सिरा ये बंद हो जाता है, तो सिरा बंद हो जाने से अंदर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और जब अंदर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो यहाँ पर जो द्वीप जो जीव होता है प्रवाल, वह मर जाता है। जब प्रवाल मर जाता है तो ये पूरा का पूरा कवच जो होता है वो ठोस हो जाता है, इस प्रकार से ठोस हो जाता है, और जब एक प्रवाल की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा प्रवाल इससे आकर संलग्न हो जाता है, और ऐसी दीवार नुमा संरचना बन जाती है। इस दीवार नुमा संरचना को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवाल भित्ति कहा जाता है। जबकि कई सारे द्वीप आपस में ऐसे जब मिलते रहेंगे तो मिलते मिलते एक द्वीप का निर्माण कर देंगे, और ऐसे द्वीपों को नाम दे दिया जाता है प्रवाल द्वीप, या इन्हीं को नाम दे दिया जाता है मूंगा द्वीप। अब चूंकि यहां पर जीव पाए जाते हैं, और जहां पर जीव पाए जाते हैं निश्चित तौर पर उन जीवों को भोजन करने के लिए वनस्पति की भी आवश्यकता होती है, तो जहां पर एक प्रकार से अधिक प्रकार की जीव और एक प्रकार से अधिक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसको हम जैव विविधता, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वो जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है, ठीक ना। उसके बाद अगर हम बात करें और लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप के अंतर्गत कई सारे लगभग 32 द्वीप शामिल हैं। इसका एक द्वीप आपको याद रखना है, इस द्वीप का नाम है अमीनी द्वीप के बाद एक द्वीप यहां पर है जिसका नाम है कवरत्ती द्वीप, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी भी है, कवरत्ती द्वीप। और कवरत्ती द्वीप के बाद यहां पर एक और द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा है, मिनिकॉय द्वीप। और मिनिकॉय द्वीप के नीचे एक और यहाँ पर एक देश है, और इस देश का नाम है मालद्वीप। कौन सा देश यहाँ पर, तो यहाँ पर एक देश है मालद्वीप। अगर मिनिकॉय और मालद्वीप के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है 8 डिग्री, तो इसको नाम दे दिया गया 8 डिग्री चैनल। कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है 9 डिग्री, तो इसको नाम दे दिया गया 9 डिग्री। तो एक है 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य से, और कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य में कौन सी है, 9 डिग्री चैनल, ठीक ना। आइएगा अब प्रश्न देखते हैं। यह कोरल का बना है तथा उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है लक्षद्वीप के बारे में। कवरत्ती द्वीप मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। देख लीजिएगा, तो 9 डिग्री चैनल किसके मध्य में, कवरत्ती और मिनिकॉय, और 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव। 8 डिग्री कहां पर है, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में, और 9 डिग्री है कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय के मध्य में। यानी पहली वाली बात भी सही है, दूसरी वाली बात भी सही है, और तीसरी वाली बात भी सही है। पूछ रहा है कौन से सत्य कथन अगर पूछा जाए, तो 1, 2 और 3 तीनों की तीनों बातें यहां पर सही है, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 41 के बाद प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। दक्षिणी ट्रैप पर रेगोर मृदा, और रेगोर मृदा को काली मिट्टी के नाम से भी जानती है, क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। तो दक्षिणी ट्रैप पर रेगोर मृदा या काली मिट्टी होती है, या कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, ठीक ना। आइए समझते हैं, अगर हम दक्षिणी ट्रैप की बात करते हैं तो दक्षिणी ट्रैप यहां पर है,
और ट्रैप दक्षिणी का मतलब तो दक्षिण दिशा, ट्रैप का मतलब क्या होता है? तो ट्रैप का अर्थ होता है सीढ़ी नुमा आकृति। क्या अर्थ होता है? सीढ़ी नुमा आकृति। और यहां पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में है कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई, महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई, और ज्वालामुखी प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जब लावा निकला तो लावा ने ऐसी सीढ़ी नुमा आकृति का निर्माण कर दिया। इसी सीढ़ी नुमा आकृति को दक्षिण ट्रैप कहा गया, ठीक ना, या दक्षिणी ट्रैप। अब लावा निकला और लावा धीरे धीरे ठंडा हो गया, और लावा के ठंडे हो जाने से एक चट्टानों का निर्माण हो गया, और जिन चट्टानों का निर्माण हो गया उन चट्टानों का नाम है बेसाल्ट चट्टान है। और बेसाल्ट चट्टान है, चट्टानों को मिट्टी का जनक कहा जाता है, चट्टान को मिट्टी का जनक कहा जाता है। और जहां पर भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, काली मिट्टी जो होती है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसके उत्पादन के लिए? कपास के उत्पादन के लिए। तो दक्कन ट्रैप या दक्षिणी ट्रैप का जो विस्तार है, दक्षिणी ट्रैप का जो विस्तार है वो गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों में है। तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी पाए जाने के कारण ही यहाँ पर कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है, कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है, ठीक ना। अब आइए विकल्पों पर चर्चा करते हैं। कथन कह रहा है कि दक्षिणी ट्रैप पर रेगोर मिट्टी या काली मिट्टी होती है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यह कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, यह वाली बात भी सही है। तो कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन क्या सही स्पष्टीकरण करते हैं? बिल्कुल सही स्पष्टीकरण भी करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 42 था, प्रश्न नंबर 42 के बाद प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, छोटा नागपुर पठार भारतीय उद्योगों के हृदय स्थल माना जाती है, उद्योगों का हृदय स्थल माना जाता है, इसका अर्थ जानना है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रचुर कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर परिवहन का पूर्ण विकास हुआ है, उद्योगों के लिए आवश्यक चीजें यहाँ मिलती हैं, यह मेट्रोपॉलिटन केंद्रों के नजदीक स्थित है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है जहां पर अधिक मात्रा में जनसंख्या घनत्व पाया जाए, ठीक ना। देखिएगा, छोटा नागपुर की अगर पठार की बात हम करते हैं तो छोटा नागपुर पठार जो है वो जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। और झारखंड के छोटा नागपुर पठार से पर्याप्त मात्रा में खनिज, लोहा है, मैंगनीज, टंगस्टन, और खनिज के साथ साथ यहीं पर एक नदी बहती दामोदर, और दामोदर नदी क्षेत्र से किसकी प्राप्ति होती? कोयला। और कोयला एक प्रकार का क्या है? कोयला एक प्रकार का ईंधन है। तो जहां पर भी खनिज और ईंधन मिलते हैं वेबर के नियमानुसार वहीं पर हम उद्योगों को स्थापित करेंगे। अगर एक स्थान पर खनिज मिल रहा है और कच्चा माल भी मिल रहा है तो यह उद्योग के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना तो कच्चा माल ले जाना है और ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें क्या ले जाना है? हमें ईंधन ले जाना है। तो इसे उद्योगों का हृदय स्थल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर कच्चे माल की भी अधिकता है और ईंधन की। तो कच्चे माल का तो यहां कहीं वर्णन नहीं आया, यहां पर वर्णन किसका किया गया? यहां पर प्रचुर कोयला क्षेत्र है। अगर हम झारखंड की बात करें, आपने एक नाम सुना होगा कोडरमा, और कोडरमा छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला है जहां से पर्याप्त मात्रा में अभ्रक की प्राप्ति होने के कारण इसको अभ्रक नगरी कहा जाता है। एक और शहर का नाम सुनोगे बोकारो, और बोकारो में स्टील की प्राप्ति होने के कारण इसको स्टील नगरी कहा जाता है। एक शहर है धनबाद, और धनबाद से कोयला की प्राप्ति होने के कारण यहां इसे किस नाम से जानते हैं? कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। एक शहर और सुने होंगे जमशेदपुर, जमशेदपुर और जमशेदपुर शहर से किसकी प्राप्ति होती है? लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, लौह अयस्क। और जमशेदपुर में ही टाटा कंपनी के द्वारा भारत का पहला क्या लगाया गया? भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग लगाया गया, लौह इस्पात उद्योग। क्या लगाया गया? भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग लगाया गया, ठीक ना। ये झारखंड के कुछ चीजें हैं। तो खनिज मिलते हैं और खनिज के साथ साथ क्या मिलता है? ईंधन के रूप में कोयला मिलता है। तो उपरोक्त कथनों में सबसे सही कथन है यहां पर प्रचुर मात्रा में कोयला, यहां पर परिवहन का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, ठीक ना। उद्योगों के लिए आवश्यक चीजें यहां मिलती है, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें कोयला की प्रचुरता मानी जाएगी। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 44 है,
फिर से दर्रे से संबंधित क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रे का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। डाफला, डाफला एक पहाड़ी है, डाफला एक पहाड़ी है, अबोर मिसमी डाफला, ठीक ना, ये पहाड़ियों के नाम है। और डाफला पहाड़ी का जो संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश से, कहां से, अरुणाचल प्रदेश, अबोर मिसमी डाफला, ये यहाँ की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, ठीक ना, ठीक ना। उसके बाद तुजू दर्रा, तो यहां पर एक राज्य मणिपुर, और मणिपुर के बाद यहां पर एक देश है, और यहां पर जो देश है इस देश का नाम है म्यांमार। देश का नाम क्या है, तो देश का नाम म्यांमार। यहां पर मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर, मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगर इम्फाल से आप म्यांमार जाना चाहते हैं तो आपको जिस दर्रे को पार करना पड़ेगा उस दर्रे का नाम क्या है, उस दर्रे का नाम तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रे का संबंध जो है वो मणिपुर राज्य से है। अब बच्चे आप पीर पंजाल, तो पीर पंजाल का संबंध जम्मू कश्मीर से हो गया। तो ए का तीसरा, ए का तीसरा यानी तीन है सही। बी का पहला, बी का पहला ए हो गया। सी का दूसरा, सी का दूसरा ए हो गया। और डी का चौथा, डी का चौथा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न नंबर 44 के बाद प्रश्न नंबर 45। विक्टोरिया मरुस्थल का संबंध किस देश से है, तो विक्टोरिया मरुस्थल का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है या ऑस्ट्रेलिया देश से है। विक्टोरिया मरुस्थल का संबंध कहां से है, तो विक्टोरिया मरुस्थल का संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहां पर विश्व के सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे एक मरुस्थल तो आपके सामने लिखा है विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद एक मरुस्थल और है यहां पर ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है गिब्सन, गिब्सन के बाद एक मरुस्थल और है यहां पर तनामी, तमनामी के बाद एक मरुस्थल है सिम्पसन, सिम्पसन के बाद एक मरुस्थल है ग्रेट ग्रेट सैंडी, और अंतिम मरुस्थल है जो यहां पर स्टुअर्ट स्टोनी। स्टुअर्ट स्टोनी अगर आप काउंटिंग करेंगे स्टुअर्ट स्टोनी, तो एक दो तीन चार पांच छह, छह मरुस्थल हैं। सबसे ज्यादा मरुस्थल इसी देश में है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया प्यासी भूमि का देश। क्या नाम दे दिया गया, प्यासी भूमि का देश। किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। और विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, किस देश में, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। चलिएगा प्रश्न नंबर 45 के बाद प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 बड़ा अच्छा है। भारत की एक ऐसी नदी जो अमरकंटक पठार से निकलने के बाद पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगर हम बात करें अमरकंटक पठार की, अगर बात अमरकंटक प्लेटू की जाए, अमरकंटक पठार की जाए, तो इस अमरकंटक पठार का विस्तार भारत के दो राज्यों में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ साथ कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश वाले रीजन से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है नर्मदा, और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर के कहां पर, अरब सागर के कहां पर अपना पानी गिराती है, अरब सागर के खंभात की खाड़ी में, अरब सागर के खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। तो कौन सी नदी सही है इसमें से, नर्मदा। कौन सी सही है नदी, तो नदी का नाम है नर्मदा, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 46 के बाद प्रश्न नंबर 47। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम स्थान, अगर हम भारत के चारों स्थानों के नाम लिखें, कौन पूर्व में कौन पश्चिम में, तो भारत के सबसे पूर्व में जो राज्य है इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूर्व में जो राज्य है इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर जो शहर है इस शहर का नाम है किविथू। क्या नाम है, किविथू। सबसे पश्चिम में जो राज्य है इस राज्य का नाम है गुजरात, और गुजरात में यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है गौर माता। क्या नाम है, गौर माता। सबसे उत्तर में जो है वो है इंदिरा कॉल। अभी ये इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब इंदिरा कॉल जो है आपका वो लद्दाख में है। और भारत का अगर सबसे दक्षिण लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिएगा यहां पर एक तो भारत का दक्षिण ए है, और दूसरा यहां पर ग्रेट निकोबार पर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इतना जितना जो भारत है इसको मुख्य भूमि मानते हैं, और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी और कन्याकुमारी को एक नाम से और जाना जाता है,
और कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी का एक नाम और है पिग्मेलियन पॉइंट, सॉरी कैप कैमोरिन। क्या नाम है? केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। तो कन्याकुमारी या केप कैमोरिन क्या है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण स्थान है, और भारत का पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिण स्थान पूछा जाए तो भारत का सबसे दक्षिण स्थान इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो कहां पर है? वो ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो इंदिरा पॉइंट आपका है जो वो ग्रेट निकोबार पर है, ठीक ना। पूछा क्या जा रहा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थान, तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थान कन्याकुमारी है। और पूछता कि भारत का सबसे दक्षिण स्थान, तो हम क्या लगाते? हम इंदिरा पॉइंट लगाते, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 47, यात्रा समाप्त होने वाली है, और मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूं कि हमारे यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी का बैच संचालित किया जा रहा है आलोक सर और रवि सर के कुशल निर्देशन में, और इस बैच से जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 8382995694। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से BEO एंट्री लिखकर सेंड कर देना है। हमारी टेक्निकल टीम, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे और साथ ही साथ एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो आपको बता देंगे। और यकीन मानिएगा, विश्वास कीजिएगा, हमारे ऊपर सैकड़ों बच्चों ने विश्वास जताया है, और आप लोग फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं कितने ईमानदारी पूर्वक और कितने अच्छे से आपकी क्लासेस संचालित की जा रही है। प्रश्न नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी। तो याद रख लीजिएगा, बस फैक्ट है, जो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है, और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, मैच वगैरह देखते होंगे, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। तो वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है, और विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। कई बार पूछ लिया गया भारत का सबसे दक्षिण स्थान बताए थे अभी आपको, अब विश्व का बता दिए। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी का नाम वेलिंगटन। किस देश की राजधानी है? तो जिस देश की राजधानी है, देश का नाम भी लिख दे रहे हैं हम, न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। चलिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्रम व्यवस्थित करना है। चलिएगा, हम पहाड़ियों को देखे बिना पहले क्रम व्यवस्थित कर देते हैं। यहां पर एक पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां दी गई हैं। आइएगा, इससे हमने एक डायग्राम बना लिया। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में चार पहाड़ियां हैं, अबोर, मिरी, मिसमी, डाफला। ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। एक्रम से है ये, ठीक ना, एक्रम से है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहां पर एक पहाड़ी है, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। एक पहाड़ी यहां पर है, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। और एक यहां पर है नागालैंड मणिपुर, और यहां पर त्रिपुरा, त्रिपुरी पहाड़ी। यहां पर मिजोरम राज्य है, और यहां पर जो पहाड़ी है इसका नाम है मिजो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी यहां पर? तो यहां पर है पहाड़ी मिजो। पहाड़ियां चार है, मिजो पहाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, नागा, मणिपुर और डाफला। तो उत्तर से दक्षिण में, अगर उत्तर से दक्षिण में देखें तो डाफला पहले नंबर पर आना चाहिए। डाफला के बाद कौन सी? नागा पहाड़ी दूसरे नंबर पर। नागा पहाड़ी के बाद कौन से आ जाएगी? मणिपुर। और सबसे नीचे कौन सी? मिजो। मिजो चौथे नंबर पर। देख लीजिएगा किस ऑप्शन में तीसरा पहले दिख रहा है, तो तीसरा पहले, अच्छा एक ऑप्शन दबा है, यानी तीसरा पहले आएगा, तीसरा पहले आएगा, और सबसे बाद में कौन आएगा? सबसे बाद में पहला आएगा। चलिएगा, तो देखिएगा तीसरा सबसे पहले आना चाहिए, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, डाफला आना चाहिए सबसे पहले, हाँ डाफला सबसे पहले आना चाहिए, फिर मणिपुर आना चाहिए, मणिपुर के बाद यहाँ पर ए लग गया यानी फर्स्ट मिजो आना चाहिए, और सबसे बाद में सेकंड आना चाहिए यानी नागा पहाड़ी, ठीक ना। चलिए एक बार से मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक ना, इसमें ऑप्शन में थोड़ा समस्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इस प्रकार से पहाड़ियां हैं, यहां पर ऑप्शन के आधार पर यहां पर एक पहाड़ी है डाफला, यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागा पहाड़ी,
मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और एक पहाड़ी इस क्षेत्र में है त्रिपुरी पहाड़ी, मिजो और त्रिपुरी, ठीक ना। अब देख लीजिएगा तो डाफला सबसे उत्तर से दक्षिण जाना, तो डाफला यानी चौथी वाली पहले नंबर पर होनी चाहिए। ओके, डाफला पहले पर हो गई, उसके बाद नागा दूसरी वाली, ओके, उसके बाद मणिपुर, ओके, उसके बाद मिजो, ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथा पहले पर आना चाहिए, ठीक ना। चलिए, चौथा पहले पर आना चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के इस कड़ी मेहनत का ये अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। मेरा पहला क्वेश्चन भी झीलों से संबंधित था और अंतिम क्वेश्चन भी झीलों से संबंधित है। विश्व की सबसे गहरी झील पूछी जा रही है, तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगर हम बात करते हैं बैकाल झील कहां पर है, तो बैकाल झील जो है वो रूस में है, और रूस एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में है, यूरोप में है, और यूरोप के साथ साथ ये महाद्वीप किस महाद्वीप में, एशिया। तो रूस का वह भाग जो एशिया महाद्वीप में है, रूस का वह भाग जो एशिया महाद्वीप में है, उसी भाग को हम किस नाम से जानते हैं, उसी भाग को हम एक नाम दे देते हैं साइबेरिया, और ये जो बैकाल झील है वो साइबेरिया में ही है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहां पर स्थित है, किस देश में है, देश पूछेगा रूस, किस क्षेत्र में स्थित है रूस के, तो रूस के साइबेरिया एरिया में है। कहां पर है, साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। तो ए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी, बैकाल। सुपीरियर मैं बता चुका हूं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कैस्पियन, और कैस्पियन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इन दोनों में सुपीरियर में कैस्पियन में कौन सबसे बड़ी है, तो कैस्पियन सबसे बड़ी है, क्षेत्रफल के आधार पर कैस्पियन सबसे बड़ी है, ठीक ना। मीठे पानी के आधार पर सुपीरियर, और मीठे पानी को ही ताजा पानी कहा जाता है, तो मीठे पानी है ताजे पानी के आधार पर सुपीरियर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से और खारे पानी की दृष्टि से कैस्पियन। बोलिएगा, समय आई बात है, चलेगा। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरे बाद, धीरे 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 सभी टीचर आपको ऐसे ही मेहनत करेंगे आपके साथ। चलिए, और आप भी लगन और ईमानदारी के साथ लग रहिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।